अध्याय 3521 से 3530 तीन ताओवादी मित्र, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये लीदाओ यू का बैंगनी थंडर संत ताओवादी मित्र है। इस समय युवा हुआन ने आगे कदम बढ़ाया और इसे जनता के सामने पेश किया। और ये तीन है दयातियानजुन ताओवादी मित्र, लिंग्योन जियांजी ताओवादी मित्र और चोनशुई सर्वोच्च ताओवादी मित्र। तीनों समारोह की तैयारी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लीदाओ युग के बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत का समारोह देखने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वे वहां से नहीं हटे। एक क्षण के लिए दृश्य थोड़ा गतिरोधपूर्ण हो गया। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत ने स्पष्ट रूप से तीन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनकी गहन साधना से ये देखा जा सकता है कि तीन लोग पांचवें लोक की साधना मात्र है। हालांकि ये जिवेन की खेती छठे क्षेत्र के बराबर है, वास्तव में उसका क्षेत्र केवल पांचवां क्षेत्र है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप यह नहीं देख पाएंगे कि उसके पास वास्तव में छठे क्षेत्र की युद्ध शक्ति है। चोनशुई सुप्रीम और लिंग्योन जियांजी दोनों ने अपने चेहरे पर कुछ नाखुशी दिखाई। हालांकि वे सभी जानते थे कि बैंगनी गड़गड़ाहट वाला पवित्र गुरु दूसरों की तुलना में काफी असाधारण और ऊंचा था, लेकिन इतना बड़ा कोई अंतर नहीं था कि सम्राट ने उन पर अपना चेहरा फेंक दिया हो। केवल उन्होंने ही कभी दूसरों के साथ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार किया है। दूसरे लोग उनके साथ इतना सहज व्यवहार कब कर सकते हैं? केवल ये जिवेन चुप रहे। ऐसा नहीं था कि वह बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत की अशिष्टता के प्रति उदासीन था। वह सदैव दूसरों का सम्मान करते थे। यदि अन्य लोग सड़क पर नहीं जाते तो वह उन्हें अच्छा चेहरा नहीं देता था, लेकिन वह बेहतर जानता था कि यह लुओ हुआन द्वारा बिछाया गया जाल था। इसकी तुलना में बाकी तो कुछ भी नहीं थे। पर्पल थंडर संत की अशिष्टता अप्रासंगिक और अप्रासंगिक थी। ऐसा लगता था कि उसने भी कई लोगों के बीच अजीब माहौल को देखा था, लेकिन लुओ जुवान को यह नजर नहीं आया। उसने बस अपनी आंखें घुमा ली जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने अपना मुंह खोला और कहा, अब जब आप आ गए हैं तो मैं एक लंबी कहानी को छोटा कर दूंगा। हम इस बार एक युग को नष्ट करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप ताओवादी मित्र इस युग के स्वर्गीय तरीके के पलटवार को रोकने में मेरी मदद कर सकते हैं। बदले में मैं पूरा होने के बाद आपको फिर से धन्यवाद दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताओवादी मित्र विनम्र होते हैं। आपदाओं को खत्म करने के लिए लोगों का पैसा लेना बिल्कुल सही है। ये जिवेन ने आगे बढ़कर शर्मनाक स्थिति को खोलने का बीड़ा उठाया। वह देखना चाहता था कि लुओ किस प्रकार का विचार बना रहा है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगली बात यह है कि अपने प्रयासों पर भरोसा करें। लुओ जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ताओ यू लुओ, कृपया मुझे बात करने के लिए क्षमा करें। क्या हम अब भी इसी तरह एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं? हैवी वाटर सुप्रीम ने आगे बढ़कर कहा, जाहिर है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उनके बगल में लिंग्योन जियांजी भी सहमत हुए। जाहिर तौर से जिली के अहंकार ने दो समान रूप से अभिमानी स्वर्गीय प्रभुओं को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। सहयोग, मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल जरूरी है। मैं अकेला ही काफी हूँ। आप तीनों को जोड़ने से क्या फायदा? बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत ने अंततः अपना मुंह खोला। उनकी आवाज मोटी और खूबसूरत थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह उनके मुंह में गड़गड़ाहट और अपमान की आवाज है। उनके चेहरे अचानक नीचे झुक गए। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत के शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से बताता है कि वे पीछे हट रहे थे। यह उन दो लोगों को बनाता है जो हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि वे क्रोधित नहीं हो सकते। लोगों को बहुत ज्यादा धोखा देना। हेवी वाटर सुप्रीम की गर्जना के साथ अंतहीन जल संपत्ति कानून अंततः उतार चढ़ाव शुरू हुआ, एक उग्र लहर में बदल गया और बैंगनी थंडर सुप्रीम की ओर डूब गया। और अब बैंगनी गड़गड़ाहट संत भी गड़गड़ाहट के साथ उबल पड़ा और अचानक फैल गया। दो स्वर्गीय स्वामियों के बीच लड़ाई आसन थी। हालांकि भारी पानी की सर्वोच्च शक्ति बैंगनी गड़गड़ाहट वाले पवित्र गुरु जितनी अच्छी नहीं थी, यह एक अच्छी पीढ़ी नहीं थी। एक चाल चली और पृथ्वी हिलती हुई भारी पानी में लुढ़क गई। इससे अंतरिक्ष ढह गया, क्योंकि भारी पानी दुनिया का सबसे भारी पानी है। हर बूंद माउंट ताई से भारी है। अंतहीन भारी पानी नीचे लुढ़कती हुई दुनिया की तरह है। ये वह नियम है जिसका पालन भारी जल के सर्वोच्च स्वामी ने किया। उन्होंने केवल जल विशेषता के नियम की एक शाखा का अभ्यास करना चुना, लेकिन उन्होंने इस विशेषता का अकल्पनीय स्तर तक अभ्यास किया। जब आप स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करते हैं तो कोई भी ताव चरम सीमा पर आ जाता है, जो बेहद भयानक है। और बैंगनी गड़गड़ाहट वाला पवित्र गुरु भी कम नहीं, भयानक भी है। उससे निकलने वाली भयानक बैंगनी गड़गड़ाहट सबसे भयानक प्रकार की गड़गड़ाहट है। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी संसार में प्रवेश कर सकता है।
हालांकि जब दो स्वर्गीय प्रभुओं के बीच टक्कर छिड़ने वाली थी तो उसने देखा कि लुओ जेन दोनों पक्षों के केंद्र में प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए और दोनों पक्षों के हमले सामने आए। अप्रत्याशित रूप से वह सब उसकी जेब में था और अचानक पकड़ा गया और वह चला गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया साफ हो गई है और तनावपूर्ण माहौल अब इस समझ में कुछ भी नहीं आया है। चाहे भारी पानी हो या बैंगनी गड़गड़ाहट, वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उपस्थित सभी लोग लुओ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यद्यपि वे सभी जानते थे कि लुओ बहुत मजबूत और अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि लुओ इतना मजबूत हो सकता है। इसने बिना किसी धुएं और आग के दोनों पक्षों के हमलों को खत्म कर दिया। उसी चरम शक्ति के रूप में वे ठीक ठीक जानते हैं कि यह क्या दर्शाता है। इससे पता चलता है कि लुओ की ताकत उनसे कहीं ऊपर है, बहुत भयानक। वे दोनों एक बार चुप हो गए। केवल ये जिवेन ने अनुमान लगाया कि लुओ हुआन के पास सातवें क्षेत्र की ताकत थी। ऐसा प्रदर्शन होना सामान्य बात थी। हालांकि वह अभी भी बेहद सतर्क था। हालांकि वह तैयार था, लुओ जुवान की ताकत एक निर्विवाद तथ्य थी। यदि यह शत्रु के बजाय मित्र है तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में वह जानता था कि लुओ उनकी गणना कर रहा था। वह अधिक सतर्क कैसे नहीं हो सकता था। दो ताओवादी मित्र कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। लुओ जेन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक युग को नष्ट करने वाली अगली चीज शुरू होने वाली है। मुझे सभी ताओवादी दोस्तों की मदद की भी जरूरत है। यदि आप ऐसे हैं तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या हर कोई मुझे एक चेहरा देगा? लुओ जुवान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन लोगों ने उसके मुस्कुराते चेहरे से हत्या का एक हल्का इरादा देखा। जाहिर है, अगर उसने उनका रास्ता रोका और उनके मामलों में बाधा डाली तो उन्हें डर था कि वह मौके पर ही अपना मुंह मोड़ लेंगे। हर किसी ने उसकी शक्ति को जान लिया था, इसलिए वे अभिमानी नहीं बने रहेंगे और एक के बाद एक सिर हिलाते रहेंगे। तो कृपया मेरे पीछे आओ, लुओ हुआन ने कहा कि उसने नेतृत्व किया, अपने शरीर को प्रकाश में बदल दिया और सीधे अराजकता में उड़ गया। बाकियों ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा और बस अनुसरण किया। विशेष रूप से पर्पल थंडर सेंट ने नेतृत्व किया और सीधे पकड़ लिया, और बाकी ने बारीकी से पीछा किया। वे सभी स्वर्गीय प्राणी हैं। इनके पैर स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होते हैं। ये बस एक पल का कुंग फू है। वे पहले ही एक के बाद एक साथ जो शहर से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक संघर्ष का अनुभव किया था, फिर भी वे उत्साहित थे, क्योंकि हर किसी को एक युग को नष्ट करने का प्रयास करने का अवसर नहीं मिला था। ये भी कहा जा सकता है कि एक युग में कोई भी एक बार ऐसा नहीं कर सकता। एक ऐसे युग के सामने भी जो लुप्त होने वाला है, ये भी एक अकल्पनीय अनुभव है। केवल ये जिवेन सपाट मूड में था, क्योंकि उसने एक बार अनुभव किया था और कई चीजें अब रहस्य नहीं थी, लेकिन वह स्वर्ग के युग की भयावहता के बारे में अधिक जानता था। पिछली बार जब गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय रास्ते को स्वर्गीय ताबीज द्वारा सील कर दिया गया था, तब भी यह उसके लिए एक बड़ा खतरा था। यदि यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। यदि आप गेंग जिन युग पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में मृत पहाड़ों और रक्त की कीमत चुकानी होगी। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र अपनी जीवन शक्ति खो देगा और आप गेंग जिन युग को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे जो पूर्ण स्थिति में नहीं है। यह कारण नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी के पतन की स्थिति में वे युग एक के बाद एक युग तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि लुओ जेन ने कहा कि यह स्वर्ग का युग था जो गिरने वाला था, फिर भी ये जिवेन ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे अपने जीवन से लड़ना पड़ा। इसके अलावा वह लुओ जेन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उन्हें हमेशा लगता था कि इसमें कोई साजिश है। ये जिवेन टीम के अंत में लटकी हुई थी और सबसे धीमी लग रही थी। शुरुआत में तू जिवेन ने ऐसा दिखाया जैसे कि वह एक व्यक्ति था, इसलिए उसने भी एक व्यक्ति के समान व्यवहार किया। उड़ते समय वह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। एक छलांग हजारों मील की होती है। ये बहुत गतिशील है, लेकिन दक्षता कम नहीं है। हालांकि वह टीम में सबसे पीछे रहे हैं, लेकिन वह धीमे नहीं है और पीछे नहीं रहेंगे। जल्द ही ये जिवेन को ये गलत लगा, क्योंकि वह आखिरी था, लेकिन वास्तव में उसके पीछे था और शैतान ने पीछा किया। हालांकि यह उसकी दिव्य चेतना के दायरे में केवल एक हल्की सी झलक थी, ये जिवेन जो पहले से ही सतर्क था तुरंत पकड़ लिया गया। मूल रूप से लुओ हुआन दुष्टताओं के युग में शैतान था। मदद के लिए कोई दूसरा शैतान ढूंढो, ये सामान्य है, लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि वास्तव में दूर एक शैतान लटका हुआ है, जिससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कुछ तो जरूर है। सिर्फ इसलिए कि अराजकता में उसकी साधना के साथ उसकी दिव्य चेतना हमेशा की तरह पूरी तरह से विस्तारित नहीं हो सकती है।
अन्यथा वह एक नजर में देख सकता है कि लुओ क्या पतंगे बना रहा है। हालांकि उन्होंने फिर भी कुछ नहीं दिखाया। इसमें भौतिक साधना स्वयं अच्छी नहीं है, ये पता न लगाना कि आप किसमें सर्वश्रेष्ठ है। उड़ते समय उसने अपने शरीर में यिमू हरे ड्रैगन को तेजी से परिष्कृत किया और उसका कौशल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वे ब्रह्मांड की गहराइयों में उड़ गए और दिशा नहीं बता सके। लुओ के नेतृत्व के बिना वे यहाँ आ ही नहीं सकते थे। अराजकता में अन्वेषण करना बहुत दर्दनाक है, क्योंकि उनके पास कोई दिशा ही नहीं है। एक और महीने तक उड़ान भरने के बाद तियानेजुन के पैरों के साथ यह अभी भी लगभग अंतहीन लगता है। लगभग सभी ज्ञात अराजक क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए इस महीने के समय में तुजिवेन ने अंततः यिमू किंगलोंग को पूरी तरह से पचा लिया और लकड़ी क्यूई के आखिरी टुकड़े को पूरी तरह से अपने शरीर में एकीकृत कर लिया और उसकी खेती भी अनजाने में पांचवें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। ये सब अचानक बदल गया, लेकिन उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। ये जिवेन ने सर्वोच्च पैतृक तावीज के साथ सभी परिवर्तनों को अच्छी तरह से दबा दिया। हर किसी को पता चले बिना उसने परिवर्तन पूरा किया और अंततः पांचवें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। ये जिवेन को लगा कि उसकी युद्ध शक्ति छठे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप उसे पहले बैंगनी थंडर सेंट के खिलाफ लड़ने देते हैं, वह ड्रॉ की स्थिति है। आखिरकार उसने अभी अभी पांचवें क्षेत्र में प्रवेश किया है और बैंगनी गड़गड़ाहट वाला संत पहले से ही छठे क्षेत्र में है और यहाँ तक कि चरम पर भी पहुँच रहा है। उसके साथ चित्र बनाने में सक्षम होना एक चमत्कार है, लेकिन अब यह अलग है। उसे विश्वास है कि वह छठे दायरे को पार कर सकता है और बैंगनी थंडर संत को हरा सकता है। हालांकि उसने छिपना चुना, क्योंकि ये अन्य नहीं है जिन्हें वह वास्तव में सबसे बड़ा खतरा मानता है, ये लॉर्ड लुओ है। सातवें दायरे के ऊपर एक भयानक अस्तित्व के सामने वह बहुत सावधान नहीं हो सकता। वह जोखिम लेने से नहीं डरता, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। पूरे रास्ते आखिरकार लोगों को एक प्रकार का स्वर्ग का अधिकार महसूस हुआ। ये बेहोश और बहुत कमजोर था। ये सामान्य स्वर्ग के अधिकार से बिल्कुल अलग था। इस प्रकार के स्वर्ग के अधिकार ने लोगों को मौन की अनुभूति दी, मानो वे अगले ही क्षण विनाश में गिर जाएंगे। ये जिवेन ने कभी इस भावना को महसूस नहीं किया है। स्वर्ग का रास्ता वास्तव में उसने पहले महसूस किया था। मार्शल आर्ट का युग दुनिया में है। यह आकाश में सूर्य के समान शक्तिशाली, जीवंत और समृद्ध है। हालांकि गेंग जिन युग बुदाओ युग जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसने आसन विनाश की उपस्थिति नहीं दिखाई। अधिक से अधिक ये सूर्यास्त की महिमा थी। हालांकि इस स्वर्गीय तरीके से उसे यह एहसास हुआ कि सूरज पूरी तरह से डूब गया था और पहाड़ के दूसरी तरफ केवल थोड़ी सी चमक बची थी। जब गेंग जिन युग नष्ट हो गया तो यह ऐसा था जैसे चिलचिलाती धूप ढह गई जोरदार और पृथ्वी अलग हो गई। इसे जीवंतता से पूर्ण विनाश में बदलने में केवल थोड़ा समय लगा, लेकिन यह इस युग में स्वर्ग के मार्ग जितना मृत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए अंधेरे में गिरने वाला है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये वास्तविक युग का अंतिम परिणाम है। गेंग जिन युग की तरह जबरन नष्ट किए जाने और फिर वुडाओ युग में बलिदान देने की स्थिति केवल एक विशेष स्थिति है। वास्तविक युग का अंतिम परिणाम वुडाओ युग जितना ही मजबूत होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के पतन के बाद ये गेंग जिन युग की तरह लालची हो जाएगा और फिर अंतहीन वर्षों के बाद पूरी तरह से मौन हो जाएगा। तियानदाओ के इस युग ने वास्तव में सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी। खामोशी लोगों के दिलों में ठंडक का एहसास कराती है। यह मौत की खामोशी नहीं है। उस मौन की तुलना में जब तियानदाओ का युग मौन होने वाला है, मृत्यु द्वारा लाया गया मौन कुछ भी नहीं है। एक ही सांस में नहीं। जब ये जीवन ने वास्तव में ये दृश्य देखा तो वह समझ गया कि क्यों इतने सारे प्राचीन युग अपने जीवन को लंबा करने के लिए बुढ़ा युग पर हमला करने, संसाधनों और स्वर्ग को लूटने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस युग का पूरक नहीं बनाया गया वह देर सवेर ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शाश्वत मौन अराजकता में है, इंच दर इंच बिखर रहा है, मृत सन्नाटा है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। न केवल जीव जंतु, पर्वत और नदियां, स्वर्ग और पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है, बल्कि समय स्थान और नियमों का भी अस्तित्व नहीं है। काफी समय में उनका ब्रेकअप हो गया है। ये जीवन ने ये दृश्य अपनी आंखों में देखा। उसे केवल ये लगा कि मृत्यु के बारे में उसकी समझ में सुधार हो रहा है। उसने अनेक प्राणियों की मृत्यु देखी। उस वर्ष भी उसने अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य में सेंध लगाई, अंडरवर्ल्ड के सम्राट को मार डाला और बड़ी संख्या में क्लासिक्स और मृत्यु के बारे में समझ को लूट लिया। उन्हें मृत्यु के बारे में भी बहुत गहरी जानकारी थी। यहाँ तक कि उसने वास्तविक दुनिया को खत्म होते, दुनिया का पतन, पहाड़ और नदियाँ, स्वर्ग और पृथ्वी, सभी प्राणियों का पतन होते देखा है।
हालांकि एक युग के निधन की तुलना में ये सब बाल चिकित्सा है। यह मृत्यु का असली भव्य समारोह है। यदि कोई सम्राट जो केवल मृत्यु के मार्ग का अभ्यास करता है, इस वातावरण में अभ्यास और समझ सकता है, तो वह 1,00,000 वर्षों से भी कम समय में सफलता पूर्वक स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। ये युग का अवसान है। यहाँ तक कि मृत्यु भी अराजक ब्रह्मांड और स्वर्ग के रास्ते का रहस्य सामने लाती है। इस समय ही सबसे सुंदर फूल खिलेंगे। उसने रहस्यमय स्थान का आग्रह किया और अपने सामने जो कुछ भी देखा उसकी पागलों की तरह नकल की। उसके सामने का दृश्य नहीं बल्कि युग की मृत्यु। ये प्रथा पागलपन भरी है। युग की मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है। ये वह समय है जब मृत्यु का फूल पूरी तरह खिल चुका होता है। इस समय लोगों को समझने बूझने में ही भलाई है। युग की मृत्यु की नकल करना असंभव है। ये नामुमकिन है। ये जीवन की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया केवल 5 मिनट तक चली और रुक गई, क्योंकि रहस्यमय स्थान ने पार्सिंग और प्रतिलिपि बनाना बंद कर दिया था और उसकी डार्क किंग लेवल ड्रैगन नस भस्म हो गई थी। एक राजा स्तर की ड्रैगन नस का उपयोग कई स्वर्गीय स्वामी अपने पूरे जीवन में करते हैं। ये जीवन ने 5 मिनट के युग में स्वर्गीय तरीके से मृत्यु की प्रक्रिया की नकल की और यह समाप्त हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन है। हालांकि इसके कई फायदे हैं। पहला ये कि मौत के तरीके के बारे में उनकी समझ शीर्ष 10 मार्शल आर्ट की श्रेणी में आ गई। ये कहा जा सकता है कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली मौत तियानजुन को काट सकता है, जैसे कि उसने अपनी तलवार तियानजुन को काट दिया हो। इस प्रकार का अवतार किस प्रकार के अवतार से भिन्न है। ये बड़ा होकर स्वयं ताओ को समझ सकता है। यदि स्थिति बन सके तो ये सर्वोच्च स्वर की डिग्री तक भी खेती कर सकती है। बहुत अच्छा। बेशक इस तरह के विभाजन को काटने के लिए इसे बहुत कीमती प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने का उपभोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि तियानजुन का भौतिक शरीर और मूल भगवान स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने होने चाहिए और सामान्य चीजें सहन नहीं कर सकती है मूल भगवान और तियानजुन का भौतिक शरीर। संक्षेप में मृत्यु के मार्ग के बारे में उनकी समझ एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई है और 5 मिनट के युग में स्वर्ग के मार्ग की मृत्यु की प्रक्रिया की नकल की गई है। वह इसे बार बार देख और समझ सकता है और मृत्यु के तरीके के बारे में अपनी समझ में लगातार सुधार कर सकता है। और उसे एक बात अभी भी याद है, वह है स्वर्गलोक में उसका परिवार। उसका शतरंज का मोहरा ये कियान मौत के रास्ते को विकसित करता है, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, यहाँ तक कि उसके लिए स्वर्ग के दायरे तक पहुँचने के लिए भी पर्याप्त है। हालांकि हुआ मैंगन फीनिक्स परिवार के एवेन्यू पर खेती करते हैं। फीनिक्स परिवार के निर्वाण और अन्य महान धर्मों में मृत्यु का मार्ग भी शामिल है, जिसमें मृत्यु से जीवन शक्ति शामिल है और सबसे अनोखे एवेन्यू से बाहर निकलता है। यदि हम इस युग में स्वर्गीय तरीके से मृत्यु की प्रक्रिया को देख सके तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हालांकि उसने इन 5 मिनटों के लिए किंग लेवल ड्रैगन नस का सेवन किया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। एरा तियानदाओ एक बहुत बड़ी और अतुलनीय घटना है, जिसमें जीवन से लेकर मृत्यु तक शामिल है। यह एक असाधारण दावत है। जब युग का जन्म ही हुआ था, तब जीवन के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जिनमें अनंत जीवन शक्ति थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत समृद्धि की नींव रख रहे थे। जब युग मरता है तो मृत्यु का फूल खिलता है और मृत्यु का उजाड़ सौंदर्य यहाँ तीक्ष्ण और विशद रूप से परिलक्षित होता है। स्वर्ग का एक रास्ता अराजकता से पैदा हुआ और अंततः अराजकता में ढह गया। जीवन से मृत्यु तक, शून्य से जन्म तक और फिर शून्य तक। क्या अद्भुत प्रक्रिया है। ये जीवन को केवल यही लगा कि वह खुद को इसमें डुबाने जा रहा है। यद्यपि एक युग में स्वर्ग के मार्ग का त्याग करने से बहुत लाभ मिल सकता है, यदि वह इसे धीरे धीरे समझेगा तो उसे अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास इसे धीरे धीरे समझने का समय ही नहीं था। इसके अलावा ये वह नहीं है जो स्वर्ग के युग का बलिदान देने जा रहा है, बल्कि भगवान लुओ है। इस समय लुओ जुवान ने कहा, आप ताओवादी दोस्तों, ये वह है जिसे मैं इस बार बलिदान करना चाहता हूँ। ये वह है जो मरने वाला है। अपनी ताकत और मेरे शब्दों से आप बलिदान को पूरा कर सकते हैं। जब तक आप हमारे दानव युग के लिए स्वर्गीय मार्ग के इस युग का त्याग करेंगे, तब तक दानव युग भी बहुत लाभ लाएगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। भारी जल सर्वोच्च और अन्य ने भी दिखाया। उनके चेहरे पर कुछ हद तक प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि यद्यपि उन्होंने एक युग में कभी भी स्वर्ग के मार्ग का त्याग नहीं किया था, लेकिन इसने उन्हें ये जानने से नहीं रोका कि स्वर्ग का कोई भी मार्ग उचित है, क्योंकि वे बलिदान करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यह अपरिवर्तित है, क्योंकि स्वर्ग के मार्ग में कोई व्यक्तिपरक इच्छा नहीं है। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों की इच्छा का केंद्रित अवतार है। हालांकि वे उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे अलग, इसलिए क्योंकि वे दूसरे युग के लोग हैं।
यही मूल कारण भी है कि वे मदद के लिए आते हैं। हालांकि एक किंग लेवल ड्रैगन नस कीमती है, हालांकि उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यहां तक कि आने वाले युग में स्वर्ग का मार्ग भी सामान्य स्वर्गीय गुरुओं की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। एक युग में स्वर्ग के मार्ग का त्याग करने से बहुत लाभ होते हैं, लेकिन कई संभावित खतरे भी होते हैं। ये पूरक है, ठीक है, अब और कोई बकवास नहीं है, चलो जल्दी से शुरू करें। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत ने अपना मुंह खोला और कहा कि जब उसे बड़े लाभ का सामना करना पड़ा तो वह अपना चेहरा नहीं रख सका। इस बार चोंगशुई सुप्रीम और लिंग्युन जियानजी ने कुछ नहीं कहा, बस बैंगनी गड़गड़ाहट संत को ठंड से देखते हुए वह अंत में संघर्ष में विकसित नहीं हुआ, क्योंकि यह अनावश्यक था। उनका सहयोग इस समय तक ही सीमित है, बलिदान पूरा होने के बाद वे सहयोग नहीं कर सकते। यदि वे इस बार की आय बचाने के लिए वापस लौटे तो वे इस युग में फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं और अधिक बकवास नहीं करूंगा। युग त्यांदाव के पलटवार को रोकने के लिए मैं अगले 4 राक्षसी सीलिंग सरणी की व्यवस्था करूंगा। युग त्यांदाव के सभी जवाबी हमलों को सील करने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए 4 त्यानजुन की आवश्यकता है, और मैं राक्षसी दाव के युग के देवता को युग त्यांदाव की बलि देने के लिए जिम्मेदार हूँ। क्या आपके पास मेरी व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न है? लॉर्ड लुओ हुआन ने उनकी ओर देखा और पूछा। कोई बात नहीं, लेकिन सीलिंग की प्रक्रिया में काफी खपत होगी, जिसकी भरपाई की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। लिंग्युन जियानजी की आंखें पानी की तरह थी। उसने लॉर्ड लुओ की ओर देखा और कहा, यह स्वाभाविक है, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो यह स्वाभाविक रूप से सभी को एक एक करके मुआवजा देगा, भगवान लुओ ने कहा। चूंकि कुछ और भी कहना है तो चलिए शुरू करते हैं, हैवी वाटर सुप्रीम ने कहा। इस मुद्दे में ये जिवेन ने शुरू से अंत तक कभी बात नहीं की। वह जो सोच रहा था वह ये था कि यह निश्चित था कि लॉर्ड लुओ ने एक साजिश रची थी, लेकिन उसकी साजिश क्या थी? यदि यह समस्या स्पष्ट नहीं है तो यह अनिवार्य रूप से उसे सोने और कठिन खाने पर मजबूर कर देगी। दागी तियानजून, ताओवादी मित्र, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लॉर्ड लुओ हुआन ने फिर से ये जिवेन की ओर देखा और पूछने लगा। मुझे कोई समस्या नहीं है, ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। ये ठीक है, फिर मैं आपको सरणी आरेख भेजूंगा और आप अपने स्वयं के हिस्सों को मिलाकर इस 4 दानव सीलिंग सरणी को व्यवस्थित कर सकते हैं, भगवान लुओ ने कहा। उसके बड़े हाथ के एक झटके से 4 जादुई रोशनियां उड़ गईं और लोगों के शरीर में समा गईं। सभी को तुरंत लगा कि उनके मन में व्यूह के बारे में काफी जानकारी है। ये और कुछ नहीं था, ये 4 दानव सीलिंग सरणी थी। ये जिवेन ने इसे ध्यान से देखा। ये सारणी वास्तव में सबसे शीर्ष सारणी है, जिसमें अकल्पनीय सारणी ज्ञान समाहित है। सरणी पर ये जिवेन का शोध कमजोर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन लोगों की तुलना में एक बड़ा अंतर है जो 4 जादुई सरणी को तोड़ सकते हैं। हालांकि वह हतोत्साहित नहीं है, क्योंकि प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका है और चरम मार्ग तक पहुंचने वाले किसी भी मजबूत व्यक्ति के पास अपनी उत्कृष्टता नहीं है। ये जिवेन ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि वह हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, जो बिल्कुल अवास्तविक है। यहाँ तक कि अगर कोई रहस्यमय जगह हाथ में है तो भी यह कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि उन स्वर्गीय देवताओं में से किसी के पास भी अपना रोमांच नहीं है। हर एक स्वर्ग का गौरव है, किसी एक से भी आगे निकलना आसान नहीं है, सभी क्षेत्रों और सभी दिशाओं की तो बात ही छोड़ दे। सिर्फ इसलिए कि तुम जिवेन सरणी में 4 राक्षसों को समझ सकते हो, ये जिवेन को लगता है कि सरणी के बारे में उनकी समझ में काफी सुधार किया जा सकता है। हालांकि उन सभी को पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि यह 4 जादुई सीलिंग सरणी का केवल एक हिस्सा है। ये सरणी स्वर्ग और पृथ्वी के 4 कोनों के रूप में 4 स्वर्गीय जून के साथ एक सीलबंद सरणी है। ये वास्तव में सफलता के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सुधार की भी गुंजाइश है। मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि 4 कोनों पर पड़ने वाले स्वर्गीय जून की ताकत जितनी मजबूत होगी, अंत में व्यवस्थित की जाने वाली सरणी उतनी ही मजबूत होगी। इसके व्यूह की शक्ति को केवल इस तथ्य से देखा जा सकता है कि लुओहे शैतान ने एक युक्तियांदाव को सील करने का साहस किया है। यहाँ तक कि जो युक्तियांदाव लुप्त होने वाला है वह भी बहुत अद्भुत है। ये जिवेन को अभी एक कोना बनाने के लिए सरणी मिली है। यद्यपि यह सील सरणी बनाने के लिए पर्याप्त है, ये स्पष्ट रूप से 4 जादुई सील सरणी के पूर्ण संस्करण से बहुत दूर है। हालांकि लुओहे डेविल के लिए उन्हें बड़े सरणी का पूर्ण संस्करण सिखाना असंभव है। युद्ध का ये स्तर किसी भी युग में सर्वोच्च खजाना है, जो बहुत सामान्य है। बुद्ध की समझने की क्षमता स्वाभाविक रूप से असाधारण है। जल्द ही लोगों को लगभग समझ में आ गया है।
हालांकि वे ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुके हैं, फिर भी उनमें अगली बुनियादी सरणी को व्यवस्थित करने की क्षमता है। जल्द ही चारों लोगों ने पूरे युग के तियानदाव के चारों ओर उड़ान भरी। हालांकि यह युग विलुप्त होने के अंतिम चरण में पहुंच गया है, फिर भी ये बहुत विशाल है, न केवल सैकड़ों अरबों मील, वे अभी भी लंबे समय तक उड़ते रहे, फिर वे क्रमशः चारों कोनों तक उड़ गए और फिर सजना शुरू कर दिया। ये ज़िवेन दक्षिण पूर्व कोने में आए, एक निश्चित स्थिति में खड़े हो गए, यिन सूत्र को पकड़ लिया और अचानक उनके पैरों के नीचे एक बड़ी सरणी फैलने लगी। उनके शरीर पर केंद्रित होकर अनगिनत सुनहरी रेखाएं आकाश में उड़ गईं और जल्द ही बैंगनी गड़गड़ाहट संत और लिंग यूनिक्सियन जी द्वारा फैलाई गई सरणी रेखा से जुड़ गईं। जल्द ही चारों ने एक बड़ी व्यूह रचना बना ली। इस विशाल सरणी के निर्माण के समय ये ज़िवेन ने युग तियानदाव के मजबूत बहिष्कार को महसूस किया। जब उन्होंने तियानदाव युग में प्रवेश किया तो उन्हें बस थोड़ा सा बहिष्कार महसूस हुआ, क्योंकि युग तियानदाव उन्हें बाहर करने में असमर्थ था। यह एक मरते हुए मरीज की तरह है जो अपने शरीर में वायरस के हमले को नहीं रोक सकता। वह स्वस्थ होने पर अपनी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से वायरस को नहीं मार सकता, लेकिन मरने वाला मरीज भी सदमे में उठकर बैठ जाता था। स्वर्ग के युग का तो जिक्र ही नहीं। लगभग तुरंत ही उसे अस्वीकृति की एक बड़ी भावना महसूस हुई। यह ऐसा है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। जब आप सांस लेते हैं तब भी आप दोषी होते हैं और अपराध भयानक है। ये वह भावना है कि स्वर्ग और पृथ्वी आपका न्याय कर रहे हैं और आपके अपराध बता रहे हैं, इसलिए आपको अपना सिर झुकाना होगा और अपने अपराधों को स्वीकार करना होगा। पिछली बार इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जब गेंगजिन युग को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब गेंगजिन युग को नष्ट कर दिया गया था तो एक स्वर्गीय ताबीज ने गेंगजिन युग के स्वर्गीय मार्ग को सील कर दिया था, जिससे उनकी असुविधा और बहिष्कार कम हो गया था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मूल निर्माता शक्तिशाली था और स्वर्ग की मोहर जैसे जादुई ताबीज को परिष्कृत कर सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग का युग भी इस पर मोहर लगा सकता है। शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि कुछ भी था, लेकिन मैंने सोचा कि स्वर्ग को सील करना बहुत आसान था। अब मुझे लगता है कि यह एक अविश्वसनीय चमत्कार है। स्वर्गीय सम्राट के निर्माण के साधनों की तुलना में, हालांकि भगवान लुओ द्वारा तैयार किए गए चार दानव सीलिंग सरणी भी बहुत शक्तिशाली है, वे वास्तव में बहुत अधिक आदिम है और उन्हें बिल्कुल भी समान स्तर का नहीं माना जा सकता है। स्वर्ग की मोहर स्वर्ग की एक पेशेवर मोहर है और चार जादुई मोहर सरणी सिर्फ अतिथि दिखावे हैं, जिनकी एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। बहिष्कार की यह भावना और अधिक मजबूत होती जा रही है और यहाँ तक कि स्थान की भावना भी विकृत हो गई है। ये स्पष्ट है कि मरणासन तियानदाव अन्य युग के तियानदाव के लिए बलिदान किए जाने, विरोध करने और संघर्ष करने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वास्तविकता विकर्षित करती है और फिर स्थान और समय को विकृत करना शुरू कर देती है। ये ज़िवेन ने देखा कि वह जगह टुकड़ों में टूट गई थी और उसके पूरे शरीर पर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसने ये भी देखा कि समय की लंबी नदी अजीब तरह से प्रकट हुई और फिर पलट गई। समय वापस बह रहा है। ये ज़िवेन ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली, क्योंकि यद्यपि वह समय के नियम का अभ्यास कर रहा था, ये पहली बार था जब उसने वास्तव में समय को वापस बहते हुए देखा था। वह समय को पीछे की ओर प्रवाहित भी कर सकता था, लेकिन वास्तव में ये शक्तिशाली मन के साथ स्थापित परिणामों के एक निश्चित हिस्से को जबरन संशोधित कर रहा था। और उसके सामने जो समय बह रहा है वह पूरी समय रेखा पीछे की ओर बह रही है और इस युग की समय रेखा पीछे की ओर बह रही है। ये ज़िवेन को अचानक समझ आया कि यह स्वर्ग का युग है जो अपने अतीत का पता लगाने और अपने अतीत को मारने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से कोई वर्तमान नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से ये साधन आम लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन तियानज़ुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया में कोई भी अजेय नहीं है, इसलिए अतीत और भविष्य तो होंगे ही। हमेशा सबसे कमजोर समय होता है, यानी जब वह पैदा हुआ था, तब भी जब उसके माता पिता पैदा हुए थे और तब भी जब उसके पूर्वज पैदा हुए थे। एक बार जब कोई एक रेखा टूट जाती है तो पीछे वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा, जो स्वाभाविक बात है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। बेशक सामान्य लोगों में समय की धारा के विपरीत जाने की क्षमता होने की संभावना नहीं है। भले ही समय के नियम की खेती इतनी मजबूत हो कि हे ज़िवेन, समय को उलटना और भगवान को मारना असंभव है। सामान्य देवताओं और सम्राटों में ये क्षमता होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सामान्य देवता और सम्राट उसके द्वारा मारे जा सकते हैं। इतना परेशान क्यों हो? इसलिए ये क्षमता, जो समय के नियम की एक बहुत शक्तिशाली जादुई शक्ति प्रतीत होती है, वास्तव में बहुत ही चिकन पसलियां हैं। हालांकि स्वर्ग के ताओ में ये क्षमता है।
स्वर्ग का ताव हर चीज का योग है और समय रेखा स्वाभाविक रूप से उनमें से एक है जिसे आसानी से उल्टा किया जा सकता है। हालांकि बुद्ध की ताकत यह है कि उन्होंने समय की लंबी नदी में सभी अतीत और भविष्य को काट दिया है। ये घातक कमजोरी बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। किसी भी समय रेखा में किसी भी समय जहां भी वह प्रकट होता है वह अब सबसे मजबूत स्थिति में है। यदि आप वास्तव में उसे हरा नहीं सकते और मार नहीं सकते तो आप इस टाइमलाइन पर उसे हरा भी नहीं सकते और मार भी नहीं सकते। निश्चित रूप से ये जीवन जो स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है इस समय रेखा पर प्रतिबिंबित होता है, चरम स्थिति में है, इतना मजबूत है कि इसमें कोई दोष नहीं है। ये जीवन ने यिन फॉर्मूला पकड़ रखा था और उसके चारों ओर तेज रोशनी थी। न तो समय का नियम और न ही अंतरिक्ष का नियम उस पर कोई प्रभाव डाल सका। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। जल्द ही सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे वज्र डकैती, आग, जल आपदा। यह अंतहीन है। इस समय वे सभी आपदाएं स्पष्ट हो गईं जिनके बारे में ये जीवन को पता चल सकता था। ये सभी ये जीवन की ओर आ रहे हैं। इस युग में यही स्वर्ग का मार्ग है। हमें ये जीवन जैसे संकट को मिटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा हमला कैसे किया जा सकता है? अब तू जीवन ने गेंग जिन्सु क्यूई की रोशनी को अपने पूरे शरीर पर चमकाया जिससे इन गड़गड़ाहट वाली डकैतियों, आग, पानी की आपदाओं आदि को रोका जा सके। सभी कानून अनुल्लंघनीय है और उनमें कारण और प्रभाव शामिल नहीं है। सरनी के दूसरी ओर बैंगनी गड़गड़ाहट सेंट जून और अन्य भी अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह की आपदा उनकी मदद नहीं कर सकती। हालांकि इस समय भगवान लुओ अंततः चले गए, एक बड़े समूह को प्रशिक्षित किया और दानव ताओ के युग के स्वर्ग का बलिदान देना शुरू कर दिया। वे इस युग के स्वर्ग को निगल जाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दानव ताओ के युग के स्वर्ग ने दूर की अराजकता से सीधे उनकी इच्छा को प्रक्षेपित किया। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दोनों युगों में संघर्ष होने लगा। मैं बस महसूस करता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल रहा है और अराजकता उबल रही है। सभी प्रकार के कानून, ईश्वर की जंजीरें पूरे आकाश में उड़ती हैं और एक दूसरे से लड़ती हैं, जो दो युगों के स्वर्गीय तरीकों के बीच टकराव है। स्वर्ग का युग खत्म होने वाला है, चरम से बहुत दूर, और शैतान का युग अपनी इच्छा को कम करने के लिए विशाल अराजकता को पार करता है और उसकी सारी शक्ति को कम करना असंभव है। ये पिछली बार से पूरी तरह से अलग था जब झोगटियानजुन और ये जिवेन और अन्य ने गेंग जिन युग को मार डाला था। उस समय गेंग जिन युग को स्वर्गीय तावीज द्वारा सील कर दिया गया था जिसने इसकी अधिकांश शक्तियों को सील कर दिया था। स्वर्ग के सीमा पार गुदाव युग के सामने लगभग कोई लड़ाई की शक्ति और एकतरफा वध नहीं था। अब हालांकि ये जिवेन और अन्य लोग इस युग में स्वर्ग का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। हालांकि ऐसी अवधारणा नहीं है कि इसे तावीज की तरह पूरी तरह से अवरुद्ध किया जा सकता है। दो स्वर्गीय मार्गों के बीच टकराव के तुरंत बाद अराजकता की एक बड़ी लहर पैदा हो गई और सामान्य सम्राट बह गए। मुझे डर है कि यह सब एक गतिरोध है। ये जिवेन जो युग तियानदाव को रोकने के लिए चारों कोनों पर खड़े थे बहुत दबाव में थे। सील को तोड़ने के लिए युग तियानदाव ने लहर के बाद लहर लड़ी और सभी प्रकार की आपदाओं का लगभग मंचन किया गया। ये जिवेन को घेर ले और ये जिवेन की सभी सुरक्षाओं को तोड़ दे। हो सकता है कि ये जिवेन को एक या दो आपदाओं की बिल्कुल भी परवाह ना हो। लेकिन जब इस तरह की आपदा एक बिंदु पर पहुंची तो तू जिवेन ने भी संघर्ष करना शुरू कर दिया। ये आपदाएं और भी भयानक होती जा रही हैं। यह एक युग में स्वर्ग के ताव का आखिरी पलटवार है और यह विशेष रूप से भयानक होगा। अगर इन आपदाओं को सामान्य दुनिया में रखा जाए तो ये दुनिया को नष्ट भी कर सकती है। उनकी भयानक विनाशकारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जिवेन ने चारों ओर देखा। दूसरी ओर भगवान लुओ द्वारा व्यवस्थित की गई बड़ी श्रृंखला को दुष्ट ताओ के युग में स्वर्ग की इच्छा कहा जाता है। दोनों स्वर्ग ताओ सीधे टकराए। मुझे नहीं पता कि लॉर्ड लुओ ने कितनी आफ्टरवेव झेली। जादुई रोशनी उसके पूरे शरीर पर चमक उठी और हर बार जब जादुई रोशनी चमकती थी तो वे भयानक झटके एक बार नष्ट हो जाते थे। ये स्पष्ट था कि लॉर्ड लुओ बहुत पहले से तैयार होकर आए थे, जल्दबाजी में नहीं। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उस पर जादुई शब्द का निशान मंडरा रहा था जिसने उसके लिए झटकों को रोक दिया था। हालांकि उसके पास झोगटियानजुन की शक्तिशाली शक्ति नहीं थी, फिर भी वह तैयार था। एक युग में स्वर्ग के मार्ग को नष्ट करने की इस तरह की चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य लोग कर सके। आम लोग इस बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लेकिन जल्द ही तू जिवेन के पास भगवान लुओ के कार्यों पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि उसके सामने दर्जनों और स्वर्गीय मूर्तियां थी जो सबसे शक्तिशाली काल में थी और समय की नदी से बाहर निकली थी। ये जिवेन ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली।
ये अद्वितीय बलशाली पुरुष वास्तव में इस युग में जन्मे अनेक देवताओं में से एक है। न केवल ये ज़िवेन बल्कि जिले पवित्र गुरु चोनशुई सुप्रीम मास्टर और लिंग्योन जियानजी ने भी एक के बाद एक अपना चेहरा बदला। यदि प्रकाश केवल एक या दो त्यानजुन है तो वे इससे निपटने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जब एक ही सांस में इतने सारे त्यानजुन दिखाई देते हैं, हालांकि उनके पास वास्तविक त्यानजुन जैसे मांस शरीर, जादुई शक्तियां और ताओवादी उपकरण नहीं हो सकते हैं, तो वे हैं केवल मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति का प्रक्षेपण और त्यानदाव द्वारा मांस शरीर का पुनर्निर्माण, जो सामान्य त्यानजुन की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने सारे स्वर्गीय प्रभुओं ने उन्हें घेर लिया था। उनसे निपटना उनके लिए असंभव था। क्या यह अभियान युग की असली लड़ाई है? केवल अब आप शिवेन को गहराई से समझ में आया कि फेंगटियन फू का उपयोग करके उसे और दूसरों को कितने फायदे हुए थे। इस समय दिखाई देने वाली दर्जनों स्वर्गीय मूर्तियों की तुलना में गेंगजिन युग में जबरन पैदा किए गए गेंगजिन ज़ुक्यूई द्वारा परिवर्तित जीव बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना शक्तिशाली है, केवल एक ही है। वर्तमान में इनकी संख्या दर्जनों है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि ये स्वर्गीय मूर्तियां अभी भी लगातार प्रकट हो रही है। प्रत्येक प्रकटीकरण इस युग के स्वर्गीय तरीके से संग्रहित थोड़ी ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग करेगा। हालांकि इस बिंदु पर यदि आप नहीं लड़ते हैं तो दूसरे आपको निगल लेंगे। अन्य विकल्प कहाँ है? ये ज़िवेन पर्पल थंडर पवित्र गुरु चुनशुई सुप्रीम मास्टर और लिंग्यू जियानजी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान लुओ है, जो सरणी की व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार राक्षस युग की इच्छा को बुला रहे हैं। वह कुंजी है। जब तक भगवान लुओ मारा जाता है, राक्षस युग की इच्छा का आना असंभव है। एक युग में स्वर्ग का मार्ग केवल उसके अपने युग तक ही सीमित रहेगा। चून की स्वर्ग के रास्ते में कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसके लिए पहल करना असंभव है। इसका मार्गदर्शन केवल लोग ही कर सकते हैं। भगवान लुओ, मैं आपका लाभ नहीं उठा सकता। एक दर्जन से अधिक त्यानजुन के सामने, जो अपने आप में भाग गए और इस युग में पैदा हुए त्यानजुन की एक स्थिर धारा है। लिंग्योन जियानजी ने दृढ़तापूर्वक परामर्श देने का निर्णय लिया। यदि वह एक युग के स्वर्ग के मार्ग को नष्ट करना चाहती तो वह इतने कम समय में कहां पूरा हो सकता था। लुओ जेन डेविल की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास कम समय में समस्याओं को हल करने का साधन है। इस समय वह स्वाभाविक रूप से पहले पीछे हटने का विकल्प चुनेगा, अन्यथा उसे यहाँ पहुंचे एक दर्जन से अधिक स्वर्गीय स्वामी द्वारा जिंदा मार दिया जाएगा। व्यूह रचना को बनाए रखते हुए उसे इस युग के इन स्वर्गीय स्वामी के हमलों का भी विरोध करना पड़ा। उसने सोचा कि उसमें ऐसी क्षमता नहीं है, अगर है भी तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसकी और लॉर्ड लुओ के बीच इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। वे बस एक दूसरे के किंग लेवल ड्रैगन नस को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे अपना जीवन स्वयं पकड़ना चाहते हैं। वैसे भी यह इसके लायक नहीं है। जहां तक ये सवाल है कि क्या लॉर्ड लुओ अंततः सफल हो सकते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने हितों के चलते उनके साथ आए थे। इस समय वे स्वाभाविक रूप से एक महान आपदा में उड़ गए। लिंग्योन जियानजी पहले इसे सहन नहीं कर सके और फिर चोनशुई सुप्रीम ने वही विकल्प चुना। भगवान लुओ, मुझे पहले जाना होगा। आपने मुझे नहीं बताया कि स्वर्ग का युग जो ढहने वाला है उसमें अभी भी इतनी शक्तिशाली पलटवार करने की क्षमता है। भारी जल की सर्वोच्चता का अनुसरण करते हुए बैंगनी गड़गड़ाहट वाले पवित्र गुरु ने सरलता से अपने व्यवहारिक कार्यों से उत्तर दिया। उन्होंने इससे अधिक कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। वह सीधे बैंगनी बिजली में बदल गया और बाहर भाग गया। उसके भागने के साथ मूल रूप से गठित चार दानव सीलिंग सरणी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और युग त्यानदाव के पलटवार को पकड़ नहीं सकी। इस समय ये ज़िवेन पहले ही त्यानदाव के पहले युग के सम्राट के साथ लड़ चुके थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटे क्योंकि उनके हाथ में अभी भी सर्वोच्च पैतृक ताबीज था। सबसे महत्वपूर्ण समय में भी आत्म सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं था। आखिरकार ये फू दाओ युग का सार है और यह पूर्वजों से संबंधित है। स्वाभाविक रूप से यह इतना आसान नहीं है, और वह जानता था कि लॉर्ड लुओ के पास एक साजिश थी, इसलिए वह देखना चाहता था कि लॉर्ड लुओ के पास किस तरह की साजिश थी और जवाबी उपाय करना चाहता था। उसने भी अपने दिल में एक अद्भुत सेटिंग के बारे में सोचा। यदि कोई षड्यंत्र है तो उसे इसी समय शुरू किया जाना चाहिए। ये ज़िवेन ने लॉर्ड लुओ की ओर देखा और मना कर दिया। इस समय उसे लगा कि अगर उसके पास सेकंड हैंड है तो उसे शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो सारी स्थिति चौपट हो जाएगी, लेकिन यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय जाने में बहुत देर हो गई है?
इस समय एक बड़ी आपदा का सामना करते हुए लॉर्ड लुओ ने अंततः कार्रवाई की और उनके चेहरे पर एक प्रकार की उदासी दिखाई दी। जाहिर है उन्हें इस स्थिति की बहुत पहले ही उम्मीद थी। इन लोगों को उसने बस अपनी इच्छा से भर्ती किया था। यदि वे विश्वसनीय हो सकते हैं और उसके लिए मर सकते हैं तो यह नरक है। उन्हें इतने अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं थी। बस थोड़ा सा समय है, उन्होंने हमला करने से पहले सलाह दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी योजना में इस दृश्य की पहले से ही कल्पना की गई थी और ये लोग उनकी नजर में केवल उपभोग्य वस्तुएं हैं। आपका क्या मतलब है? बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत ने उस समय देखा जब वह इस युग के स्वर्गीय तरीके से शासित दायरे से बाहर उड़ने वाला था। अचानक लॉर्ड लुओ ने एक आदेश दिया और चिल्लाया, सरणी स्थापित करो। फिर जब जिली शिंगजुन और अन्य लोग भयभीत हो गए तो अचानक उनके चारों ओर कई आकृतियां प्रकट हो गईं। वे वही चार लोग थे। उन्होंने चार जादुई सीलिंग सरणियों की भी व्यवस्था की। केवल इस बार चार जादुई सीलिंग सरणियों ने जिली शिंगजुन और अन्य को सील कर दिया। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर जिली शिंगजुन और अन्य लोगों को लॉर्ड लुओ की योजना समझ में नहीं आई। शुरू से ही लॉर्ड लुओ का उन पर भरोसा करने का इरादा नहीं था और वे वास्तव में अविश्वसनीय थे। किसी और की किंग लेवल ड्रैगन नस ले लो, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर भाग जाओ। हालांकि लॉर्ड लुओ तैयार थे, वह कल सुबह तैयार था। उसे कल सुबह इस दृश्य की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे वह मिल गया। ये स्पष्ट था कि वह उन्हें तोप का चारा और पीड़ित मानता था। उसके लिए स्वर्ग के रास्ते के जवाबी हमले को अवरुद्ध करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, यही उसकी असली योजना और उसकी सारी योजनाएं हैं। और वे चॉपिंग बोर्ड पर बस मछलियां हैं, लेकिन वे इसे नहीं जानते हैं। लॉर्ड लुओ ठंडे स्वर में मुस्कुराए, ये सब उसके नियंत्रण में है। क्या ये लोग अब भी बचना चाहते हैं? शुरू से ही वह बर्बाद था। भले ही वे अंत में बच सके, फिर भी वह उन्हें जाने नहीं दे सकता था। या भगवान को नाराज मत करो, यदि तुम अपमान करोगे तो तुम्हें मृत्यु के मुख में जाना होगा, अन्यथा तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए। परिणाम अकल्पनीय है, यहाँ तक कि शैतान के रास्ते का युग, जिसका एक महान परिवार और महान उद्देश्य है, एक ही समय में कई स्वर्गीय प्रभुओं द्वारा याद नहीं किया जाना चाहता। यदि महत्वपूर्ण समय पर छापा पड़े तो या तो न करे या मार डाले। लॉर्ड लुओ ने शुरू से यही सोचा था, परंतु इस समय उसे इतनी परवाह न थी। इस समय उसे अभी भी राक्षस युग के आगमन के चैनल को बनाए रखने की आवश्यकता थी। अनगिनत संसाधनों का हर समय उपभोग करना पड़ता है, लेकिन यह इसके लायक है। उन लाभों का तो जिक्र ही नहीं जो उसे सीधे तौर पर मिले। राक्षस युग द्वारा शेष युग को निगल लेने और मजबूत हो जाने के बाद भी वह बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, तो वह कभी किसी को कुछ नहीं करने देगा। इस समय चार और राक्षस अराजकता में शामिल हो गए। उन्होंने संयुक्त रूप से जिस चार दानव सीलिंग सरणी की व्यवस्था की है, वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। यह उनकी ताकत नहीं है जो अधिक मजबूत है, लेकिन उनके हाथों में जो सरणी मिलती है वह स्पष्ट रूप से अधिक पूर्ण है। यहाँ तक कि सरणी में भी लॉर्ड लुओ ने स्पष्ट रूप से उनके लिए एक हाथ छोड़ा। इस समय ये ज़िवेन अंततः लॉर्ड लुओ की सभी साजिशों को समझ गए। अच्छा, ऐसा है, जो कुछ मैंने पहले कहा था उसका केवल आधा हिस्सा ही सच है, और लॉर्ड लुओ ने उनकी अविश्वसनीयता को स्पष्ट रूप से देख लिया है और उन्हें उनके अर्थ की कोई उम्मीद नहीं है। वे सिर्फ तोप का चारा है। इसका उपयोग उनके समय में देरी करने और युग तियानदाव के पलटवार का विरोध करने के लिए किया गया था। इसलिए तू ज़िवेन ने सील तियानफू के जादू को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया। यदि सील तियानफू नहीं होती तो जूनियर हाई स्कूल तियानजुन और अन्य को नहीं पता होता कि सफल होने के लिए कितनी लाशें और खून खर्च होंगे। आखिरकार गेंग जिन युग तियानदाव उस युग तियानदाव से कई गुना अधिक मजबूत था जो गिरने वाला था, और वे ड्रैगन नसें उन्हें लुभाने के लिए मात्र चारा है। यहाँ तक कि चारा भी जहरीला होता है, और मैं इसे उन पर नहीं छोड़ना चाहता। लुओ जुवान की योजना वास्तव में एक के बाद एक थी। यदि ये शिवेन को पहले ये पता नहीं चला होता कि उसके किंग लेवल ड्रैगन वेन में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे डर है कि उसे संदेह नहीं होगा कि लुओ जुवान की कोई और योजना थी, क्योंकि पुस्तक के अनुसार लुओ की मूल योजना में कोई समस्या नहीं थी। वे युग तियानदाव के पलटवार को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि लॉर्ड लुओ शैतान युग के युग तियानदाव को आकर्षित करने और गिरने वाले युग को निगलने के लिए चैनल खोलने के लिए जिम्मेदार हैं। बाद में राजा स्तर के ड्रैगन नस के अलावा उन्हें शैतान के युग तियानदाव के पतन के अन्य लाभ भी मिले। ये है पूरी योजना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस योजना के अलावा कोई और योजना भी होगी जिसमें उन्हें एक साथ दफनाने और मरने को कहा जाएगा। मैं वास्तव में व्हाइट वुल्फ को खाली हाथ सेट करने जा रहा हूँ।
ये ज़िवेन ने आह भरी कि लुओ की योजना वास्तव में बहुत बड़ी थी, लेकिन वह घबराया नहीं था। हाथ में सर्वोच्च पितरी चिन्ह होने से उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति थी, इसलिए वह डरता नहीं है। लुओ की अपनी योजना है और उसकी भी अपनी योजना है। लुओ इस युग में स्वर्ग का रास्ता अवरुद्ध करने के लिए उसे तोप के चारे के रूप में उपयोग करता है, लेकिन उसकी अपनी योजना भी है। लुओ जेन खाली हाथों से एक सफेद भेड़िया स्थापित करने जा रहा है, लेकिन ये ज़िवेन के पास बाद में सिकाज और पीले फिंच को पकड़ने की भी अपनी योजना है। हालांकि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात इस युग के सभी देवताओं को मारना है। हालांकि इन युगों के देवता पूर्ण मास शरीर नहीं है, वे इच्छा के प्रक्षेपण से आते हैं। इसके अलावा स्वर्ग का मार्ग मास के शरीरों को नया आकार देता है, जो वास्तव में केवल मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं या इससे भी अधिक परिपूर्ण। इन स्वर्गीय गुरुओं के पास पांचवें क्षेत्र के शिखर की लड़ने की शक्ति है। चोन शुई सुप्रीम और लिंग्युन जियानजी में उनके सामने का स्वर्गीय देवता भी पांचवें क्षेत्र में सबसे अधिक युद्ध प्रभावशीलता वाला स्वर्गीय देवता है, लेकिन जिली संत के सामने का स्वर्गीय देवता छठे क्षेत्र में स्वर्गीय देवता है, जैसे कि यह श्रेणियों द्वारा विभाजित किया गया था। और जो लोग भगवान लुओ को मारते हैं वे अधिक मजबूत और भयानक होते हैं। ये ज़िवेन ने तुरंत समझ लिया कि इस युग में स्वर्ग का मार्ग हर किसी के दायरे के अनुसार प्रकट हुआ था और यह आठवें दायरे या नौवें दायरे को आकार देने के लिए समान नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय अस्तित्व के पांचवें क्षेत्र को आकार देने में खर्च की गई ऊर्जा स्वर्गीय अस्तित्व के नौवें क्षेत्र को आकार देने में खर्च की गई ऊर्जा से 100 गुना से अधिक भिन्न हो सकती है। जब उसे सीमा तक धकेल दिया गया तो वह स्वाभाविक रूप से कुछ बचा सका। युग की इच्छा ने उसे गिरने नहीं दिया। यदि सारी अंतिम शक्ति का उपयोग कर लिया जाए, भले ही आक्रमणकारियों के इस समूह को समाप्त कर दिया जाए, युग का स्वर्ग ढह जाएगा और जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि इस युग में तियांदाओ की अपनी कोई इच्छा नहीं है और वह वास्तव में ये ज़िवेन की ताकत का आकलन नहीं कर सकता है, और यही ये ज़िवेन का सबसे बड़ा अवसर है। हाँ, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया, पिछली चार दानव सीलिंग सरणियां ध्वस्त हो गई। उसके लिए उसने बस बेड़ियां खोल दी। उन्हें सरणी के संचालन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वे मौके पर ही निकल गए। इस बार तू ज़िवेन ने अपना हाथ नहीं रखा। वह महाशक्तिशाली ताकत जो वास्तव में छठे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त थी भड़क उठी। एक पैर बिजली की तरह रात को चीरता हुआ निकल गया। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे एक पर्वत श्रृंखला आकाश से भड़क उठी हो और उसके सामने उस युग के सम्राट तियांदाओ पर टूट पड़ी हो। टकराना, उस युग के सम्राट तियांदाओ को मौके पर ही लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उसका मांस आकाश में बिखर गया। इस युग में स्वर्ग का देवता पांचवें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन ये ज़िवेन के सामने वह अभी भी इतना नाजुक है कि वह बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है। हालांकि ये ज़िवेन भी पांचवें दायरे की चरम साधना है, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता छठे दायरे को पार करने के लिए पर्याप्त है। इस युग में स्वर्ग का सम्राट फिर से उठने और लड़ने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन ये ज़िवेन के पहाड़ जैसे बड़े पैर ने उसे नीचे गिरा दिया। शेंग ने सम्राट की इच्छा को उसके शरीर पर लात मारकर मौके पर ही मार डाला और उसे विनाश में बदल दिया। गति बहुत तेज है, ये बस एक क्षण पहले और बाद की बात है। हर चीज को जीत हार और नतीजों में बांट दिया गया है। ये ज़िवेन संतुष्ट नहीं थे। पीछे हटने और आगे बढ़ने के बजाय उसने सीधे उन स्वर्गीय स्वामी को मार डाला जो उन्हें मारने आए थे और जवाबी हमले की प्रस्तावना शुरू करने की पहल की। बूम बूम बूम, ये ज़िवेन ने इन स्वर्गीय प्रभुओं में प्रवेश किया। कई स्वर्गीय राजाओं के संयुक्त हमले के सामने उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास गेंग जिनजू द्वारा गैसीकृत किया गया एक लंबा चाकू था जो भयानक था। एक स्वर्गीय मूर्ति गलती से उसके गेंग जिनजू क्यूई द्वारा रूपांतरित लंबे चाकू से विभाजित हो गई थी और मौके पर पूरी तरह से शून्य में बदल गई थी। मूल रूप से स्वर्ग के रास्ते से संघनित मांस का शरीर इस झटके में ढह गया था और स्वर्गीय मास्टर की इच्छा छिप गई थी, इसमें भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इन युगों के तियानजुन की ताकत सामान्य तियानजुन से कम नहीं है, वास्तव में उन्हें सामान्य तियानजुन की तुलना में मारना आसान है क्योंकि उनकी तियानजुन की इच्छा शक्ति बहुत नाजुक है। वे समय की लंबी नदी से वसीयत का केवल एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं, जिसे तियानजुन वसीयत का पूर्ण संस्करण बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। उनके हाथ में लंबी तलवार भी अजेय है जो सामान्य तियानजुन ताओवादी उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। अतीत में गिरे हुए इन तियानजुन के पास हाथ में एक अच्छा तियानजुन ताओवादी उपकरण भी नहीं है। वे केवल अपने विचारों के साथ फिर से एकजुट हुए हैं और उनकी वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता अच्छी नहीं है।
गेंग जिनजुक्यूई द्वारा रूपांतरित येजिवेन के लंबे चाकू के सामने, यह अक्सर कमजोर होता है और यह आसानी से टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। कभी कभी प्रकट तियानजुन ताओवादी उपकरण के पीछे छिपे तियानजुन को भी चाकू से मार दिया जाएगा, नपुंसक बना दिया जाएगा और सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये तियानजुन बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये जिवेन बहुत मजबूत है। वे केवल सामान्य पांचवें दायरे के तियानजुन हैं और ये जिवेन की युद्ध प्रभावशीलता पूर्ण छठे दायरे के स्तर पर है, जो स्वीप करने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल भी स्तरीय अस्तित्व नहीं है। यहाँ की लड़ाई ने अंततः लिंग्यून जियानजी, चुनशुई सुप्रीम और जिली होली का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लगभग 3 लोगों को नहीं डराया, विशेषकर चुनशुई सुप्रीम और लिंग्यून जियानजी को। उनके प्रतिद्वंद्वी भी पांचवें क्षेत्र के शिखर पर तियानजुन विशेषज्ञ थे। उन्होंने अकेले विरोध करने की पूरी कोशिश की है, अन्यथा वे मारे जाएंगे, लेकिन ये जिवेन दूर जा सकते हैं। ये बहुत असामान्य है। स्वर्गीय जून स्वर्ग के रास्ते से विकसित हुआ, जो उत्कृष्ट नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बार इस युग में समय की लंबी और शानदार नदी में चमकता था। प्रत्येक का अपना अनूठा ताव है, जो एक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। बहुत शक्तिशाली और भयानक, विशेष रूप से उसी क्षेत्र में जो अजेय है, चुनशुई सर्वोच्च को छोड़ दें और लिंग्यून जियानजी, यहाँ तक कि बैंगनी गड़गड़ाहट संत, उसी क्षेत्र में स्वर्गीय गुरु की घेराबंदी के तहत समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भले ही उनकी ताकत किसी से भी अधिक मजबूत हो उन्हें, लेकिन जब संख्या दोहरे अंक तक पहुंच जाती है तो ये सब कुछ डुबाने के लिए काफी है। इसके अलावा इस युग के स्वर्ग के तहत उनकी ताकत कमोबेश दबा दी जाएगी। हालांकि यह युग के सुनहरे दिनों की तरह नहीं है, यह आतंकवादी दमन का कारण बनेगा, लेकिन जब यह विशेषज्ञ लड़ता है तो यह 1000 मील तक भ्रामक हो सकता है। हालांकि तू जिवेन ने बिल्कुल अलग शैली दिखाई। पांचवें क्षेत्र के चरम पर उसी खेती के साथ उन्होंने तियानदाओ के इस समूह से विकसित तियानजुन को लगभग दबा दिया। इस तरह की युद्ध प्रभावशीलता ने उन्हें लगभग इसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया, विशेषकर बैंगनी थंडर संत की ओर। वह हमेशा सोचता था कि इस समूह के लोगों में वह निसंदेह सबसे मजबूत है। भले ही ये जिवेन ने पहले बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारते समय अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता दिखाई हो, वह पांचवें क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता सीमा से छुटकारा नहीं पा सका। जब तक वह छठे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, वह इसे दिल पर नहीं लेगा। तियानजुन का क्षेत्र एक भारी है और आकाश तक चढ़ता है। केवल एक भारी अंतर है और युद्ध की प्रभावशीलता बहुत अलग है। हालांकि यह अभी तक गुणात्मक परिवर्तन के बिंदु तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी ताकत ये जिवेन, चुनशुई सुप्रीम और लिंग यून जियानजी से लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसीलिए वह इतना अहंकारी था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर अत्यधिक भरोसा था। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह लॉर्ड लुओ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड लुओ ने उनसे निपटने के लिए ऐसी शातिर रणनीतियां बनाई थी। परंतु इस समय उनके हृदय को कितना भी सदमा लगे, वे किसी काम के नहीं, क्योंकि लोग अभी भी खुद पर भरोसा करते हैं। इस समय दूसरों से उन्हें बचाने की अपेक्षा करना हास्यास्पद है। उनके बीच किस तरह की दोस्ती है, इसे बचाने के लिए दूसरों को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि भले ही स्वर्ग का मार्ग ढह जाए और इस युग तक ध्वस्त हो जाए, मुझे डर है कि लुओ दानव जून और बाहर के अन्य लोग उन्हें जाने नहीं देंगे और उन्हें मार डालेंगे। अन्यथा खबर बाहर आते ही राक्षस युग की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रसिद्धि उनके किसी काम की नहीं है, लेकिन इसका भी एक स्कोर होता है। यदि यह खबर सामने आती है और कई प्राचीन युगों में फैल जाती है, तो मुझे डर है कि भविष्य में कोई भी राक्षस युग के साथ सहयोग नहीं करेगा, और मुझे नहीं पता कि राक्षस युग की अदृश्य शक्ति कितनी कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने उन्हें इस हद तक नाराज कर दिया है। यदि वे घास नहीं काटते और लोगों को नहीं मारते, तो मुझे डर है कि वह इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आम लोगों के लिए वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं काफी समय से हताश हूं और खुद को छोड़ चुका हूं। मैं वैसे भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। राक्षस युग के इन लोगों के लिए स्वर्ग के युग का विरोध न करना ही बेहतर है। हालांकि वे सभी स्वर्गीय प्राणी हैं। उनमें से प्रत्येक का मन दृढ़ है और इसे हासिल करने से पहले उन्होंने हजारों कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया है। इस स्थिति में वे कैसे हार मान सकते हैं और अंतिम क्षण तक हार न मानना ही सही कारण है। लेकिन इस तरह का दिमाग भगवान लुओ की गणना में पड़ गया और उन्होंने इसकी गणना भी कर ली। लॉर्ड लुओ हुआ ने भविष्यवाणी की थी कि वे स्वयं को त्याग नहीं सकते। चूंकि वे स्वयं को त्याग नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें इस युग के स्वर्ग के पलटवार का तब तक विरोध करना पड़ा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। हालांकि वही बहुत पहले से ही संयमित है, दिल चट्टान की तरह है।
लेकिन ये सोचकर मुझे अब भी अपनी पीठ ठंडी महसूस होती है। उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की तुलना में ये ज़िवेन बहुत अधिक शांत थे, न केवल इसलिए कि इस युग में स्वर्ग का रास्ता उनकी मदद नहीं कर सकता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लंबे समय से भगवान लुओ की गणना जानते थे। ये सब तो उसे पहले से ही उम्मीद थी। वह दूसरों को बचाना नहीं चाहता था और उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं। दूरी में लुओ है शैतान की गहरी श्रृंखला में उसके पैरों के नीचे अंतहीन शानदार चमक खिल रही थी, जो लगातार दानवताओं के युग में स्वर्ग की इच्छा को बुला रही थी। दो युगों में स्वर्ग के बीच संघर्ष पूरे जोरों पर पहुंच गया है। हालांकि ये युग एक ऐसा युग है जो गिरने वाला है और धीरे धीरे अजेय होने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे स्पष्ट बात यह है कि विभिन्न समय के तियानजुन जो लगातार प्रकट हो सकते थे, लेकिन अब प्रकट होते रहने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस युग के तियानदो में ऐसी कोई क्षमता नहीं है। अधिकांश ऊर्जा शैतान के युग द्वारा खींच ली गई थी और ये ज़िवेन और अन्य लोगों से निपटने के लिए उनके हाथों को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि फिर भी युग तियानदाओं की शक्ति के केवल एक हिस्से ने बैंगनी थंडर संत और अन्य लोगों का दम घोट दिया है और वे बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकते हैं। हा हा हा, ये सफल होने वाला है। राव ये देखकर प्रसन्न हुए कि वह लॉर्ड लुओ और शहर सरकार की चालाकी से सफल होने वाले थे। इस समय उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन, जो चार राक्षसों की सरणी द्वारा अवरुद्ध थे, ने इस युग में स्वर्गीय इच्छा से परिवर्तित सभी शक्तिशाली स्वर्गीय स्वामी को मार डाला था, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता ने उन्हें प्रभावित किया, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वह छठे क्षेत्र में खेती कर सकते थे। वह क्या कर सकता है और उसका विरोध कैसे कर सकता है? तुरंत और पूरे दिल से सरणी को बनाए रखने की स्थिति में अब विचलित नहीं। ये ज़िवेन ने गहरी सांस ली और अंततः इन सभी शक्तिशाली स्वर्गीय प्राणियों का समाधान कर दिया। हालांकि ये स्वर्गीय प्राणी शक्तिशाली हैं, वे केवल पांचवां क्षेत्र हैं। हालांकि इस युग में उनकी युद्ध प्रभावशीलता को स्वर्ग के रास्ते से दबा दिया गया है, सौभाग्य से ये बहुत कम नहीं हुआ है। अब वह इस युग में स्वर्गीय मार्ग की गिरावट को महसूस करने में सक्षम हो गया है, शुरुआत की तुलना में बहुत कमजोर है और उसके पास अनावश्यक देवताओं को बनाने की ऊर्जा भी नहीं है। ये ज़िवेन शून्य में बैठकर शब्दों का जाप कर रही थी। उसके मन में अनगिनत संदेश कौंध गए। दूरी में बैंगनी गड़गड़ाहट वाले तीन संत एक कड़वे युद्ध में गिर गए हैं। वे ये ज़िवेन की तरह नहीं दिखते हैं और उनमें ऊंचे से ऊंचे स्तर तक लड़ने की क्षमता है। अब दोहरे अंक वाले भगवान से घिरा हुआ वह कमजोर और कमजोर होना शुरू हो गया है। ईश्वर के पास असीमित शक्ति, महान शक्तियां और अमरता है, लेकिन ये केवल ईश्वर के अधीन लोगों के सापेक्ष है। यदि उनकी तुलना भगवान से की जाए तो वे बिल्कुल भी जादुई नहीं है। लिंग्युन जियांजी विशेष रूप से तीन स्वर्गीय प्रभुओं में सबसे कमजोर थे। कई स्वर्गीय प्रभुओं की घेराबंदी के तहत उसने अपनी बेलगाम उपस्थिति दिखाने का बीड़ा उठाया। उसके शरीर को कई बार पीटा गया और फाड़ दिया गया, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से इस आपदा से बच पाए। हालांकि ये स्वर्गीय स्वामी जिन्होंने उसे घेर लिया था मूल नहीं थे, उनकी इच्छा उनमें प्रक्षेपित की गई थी। एक एक करके वे और भी भयानक होते गए। यदि ये ज़िवेन ऐसा विशेषज्ञ नहीं होता जो ऊंचे से ऊंचे स्तर तक लड़ सकता था तो वह टिक नहीं सकता था। ये ज़िवेन ने उसे दूर से देखा और कुछ नहीं किया। उसने बस देखा कि लिंग्युन जियांजी अंततः विरोध नहीं कर सकी। उसे कई स्वर्गीय राजाओं ने घेर लिया और जीवित ही मार डाला। पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। युआन भगवान मौके पर ही गायब हो गए और चिल्लाने लगे। एक बार प्राचीन युग में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की वह बुरी तरह से मर गई। ये ज़िवेन ने बस इसे देखा और कार्रवाई करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लिंग यूनिक्सियन जी के मारे जाने के बाद वह एक बड़े हाथ में बदल गया और लिंग यूनिक्सियन जी से स्वर्ग और पृथ्वी की सारी संपत्ति छीन ली। लिंग यूनिक्सियन जी जैसे पुराने स्वर्गीय स्वामी के पास स्वाभाविक रूप से बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन जो चीज ये ज़िवेन को सबसे अधिक लालची बनाती है वह राक्षस युग का राजा स्तर का ड्रैगन नस है, जो उसे भगवान लुओ से मिला था, उसका अभी उपयोग किया गया है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, उनकी राय में यह अभी भी इसके लायक है। वह बैठकर और महान स्वर्गीय स्वामी को खुद को हराते हुए देखकर राजा स्तर के ड्रैगन नसों को अपने हाथों में ले सकता है। जब हाथ में तीन किंग लेवल ड्रैगन नसें हों तो वह बहुत सारे काम कर सकता है और उसकी ताकत में फिर से सुधार किया जा सकता है। लिंग्युन जियांजी को मारने के बाद लिंग्युन जियांजी को घेरने वाले ये विशेषज्ञ तुरंत मुड़े और हेवी वाटर सुप्रीम की ओर भागे। हेवी वाटर सुप्रीम, जो पहले से ही दबाव में था, बिल्कुल भी टिक नहीं सका। लगातार कई चीखों के बाद लिंग्युन जियांजी की तरह ही वे भी पूरी तरह से मारे गए थे।
वह जिस स्थिति का सामना कर रहा है वह लिंग्यून जियांजी से भी बदतर है। भारी पानी की सर्वोच्च संपदा को भी ये जिविन ने लूट लिया था। यदि वह इसे नहीं छीनता तो वह लॉर्ड लुओ के पंजे से बच नहीं पाता। मुझे डर है कि यह सब लॉर्ड लुओ द्वारा व्यवस्थित किया गया है। हालांकि राजा स्तर की ड्रैगन नसें पहले दी गई थी, ये राजा स्तर की ड्रैगन नसें अंततः लॉर्ड लुओ के हाथों में आ जाएंगी। बिना कोई कीमत चुकाए आप उसके लिए जोखिम उठाने के लिए चार तोप चारा पा सकते हैं। दूरी में बैंगनी गड़गड़ाहट वाले पवित्र गुरु ने इस दृश्य को देखा और केवल यह महसूस किया कि मृतक बहादुर थे और युवा पीढ़ी ठंडे पसीने से टपक रही थी। हालांकि 20 से अधिक निष्क्रिय स्वर्गीय स्वामी छठे क्षेत्र के स्वर्गीय स्वामी नहीं थे। जब संख्या इस बिंदु तक पहुंची तो क्षेत्रों के बीच का अंतर मिट गया था। इसके अलावा वह पहले से ही एक दर्जन से अधिक शक्तिशाली छठे क्षेत्र के स्वर्गीय प्राणियों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यदि वह 20 से अधिक शक्तिशाली पांचवें क्षेत्र के स्वर्गीय प्राणियों पर दौड़ता तो वह उसे लगभग एक पल में मार सकता था, लेकिन उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसने ये जिवेन की दिशा देखी। अचानक उसे एक विचार आया और तेजी से ये जिवेन की ओर उड़ गया। इसका उद्देश्य लोगों को ये जिवेन की ओर ले जाना और युग के स्वर्ग द्वारा रूपांतरित देवताओं के विरुद्ध उनकी जगह लेना था। ये दृश्य देखकर ये शिवेन तुरंत उसकी योजना समझ गए। चेहरा उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका और इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत को उड़ते हुए देखकर ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिले। वह बस चिल्लाया। फिर उसने देखा कि उसने अपनी पांचों उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे तोड़ डाला। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत को ये जिवेन से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे बिल्कुल भी सामने नहीं आने दिया और उसे करीब आने का मौका नहीं दिया। वह इतना उग्र था कि उसके होश उड़ गए। वह चिल्लाया और उसका पीछा करने वालों ने उसे मार डाला। बैंगनी गड़गड़ाहट वाले पवित्र गुरु को ये जिवेन द्वारा उल्टा उड़ा दिया गया था और सीधे स्वर्ग के युग द्वारा परिवर्तित स्वर्गीय स्वामी के समूह में गिर गया। इन स्वर्गीय स्वामी द्वारा मारे जाने के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि उसकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन उसके पास सामना करने के लिए बहुत सारे दुश्मन हैं। मरने से पहले उसने ये जिवेन को देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी, मानो कह रही हो, घमंड मत करो, तुम जल्द ही मर जाओगे। ये जिवेन काफी असहाय था, क्योंकि उसे उसने नहीं बल्कि लॉर्ड लुओ ने मारा था। खैर, ऐसा लग रहा था कि वह सबसे बुरा इंसान बन गया है। हालांकि उसने अंततः बैंगनी गड़गड़ाहट संत को धक्का दे दिया, लेकिन अगर बैंगनी गड़गड़ाहट संत किसी आपदा का नेतृत्व नहीं करना चाहता था तो उसने ऐसा करना नहीं चुना, और बैंगनी गड़गड़ाहट वाला संत कुछ अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम हो सकता है। बैंगनी गड़गड़ाहट वाला संत गिर गया और उसके स्वर्ग और पृथ्वी की संपत्ति भी ये जिवेन की थी। यद्यपि स्वर्गीय स्वामी जो स्वर्ग का मार्ग प्रकट करते हैं उनके पास स्वर्गीय स्वामी की शक्ति और इच्छा है, वे अतीत के लोग हैं, न कि वे लोग जो जीवित बचे हैं। इसलिए वे आंतरिक दुनिया में कई संपत्तियों के लिए ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और अंततः सभी ये जिवेन के हैं। प्रमुख बिंदुओं में विशेष रूप से तीन किंग लेवल ड्रैगन नसे फोकस में है। तीन किंग स्तर के ड्रैगन के साथ ये जिवेन रातों रात अमीर बन गए और बहुत सारे काम कर सकते थे। बैंगनी थंडर संत को मारने के बाद इस युग में विकसित हुए स्वर्गीय स्वामी ने अपना लक्ष्य ये जिवेन की ओर मोड़ दिया। उन्हें पहले सील में मौजूद सभी लोगों को साफ करना था। यही कारण है कि बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत ने कहा कि ये जिवेन अंततः मरने वाला था। दर्जनों स्वर्गीय प्रभुओं की घेराबंदी के सामने वह ये नहीं सोच सका कि ये जिवेन कैसे जीवित रह सकते हैं। दूरी में लॉर्ड लुओ ने भी बमुश्किल उस पर नजर डाली और फिर उसकी रुचि खो गई, क्योंकि वह जानता था कि ये जिवेन मर चुका था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतने सारे स्वर्गीय स्वामी के संयुक्त छापे को सहन नहीं कर सका। स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च है, ये बहुत भयानक है। आप विश्व भूमि सिंह को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्वर्ग की शक्ति की तुलना में ये बहुत नाजुक है। ये बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है और इसमें कोई तुलनीयता नहीं है। इस समय अचानक ये जिवेन के शरीर में एक हिंसक लहर उठी और अनगिनत रन उसमें से उड़ गए। इस रून का प्रत्येक रून रंगीन चमक से छलक रहा था। यह अकल्पनीय था। वह आकाश में उड़ गया और आकाश में उड़ गया। एक पल में इसने कई राक्षस युगों के राक्षसों द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थित की गई चार राक्षस सीलिंग सरणियों को तोड़ दिया। क्या ये कैसे संभव है? चार राक्षसों के चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस महत्वपूर्ण समय में भी तुम जिवेन के पास इतनी भयानक युद्ध प्रभावशीलता हो सकती है। ये जिवेन ने चार दानव सीलिंग सरणी को तोड़ दिया, जो इस युग के स्वर्ग को भी नहीं तोड़ सका। कमाल हो गया।
प्रत्येक के लिए दौड़ना असंभव है। वे इस बल के प्रभाव के सामने पूरे समूह को कांपते, लगातार कांपते हुए महसूस कर सकते हैं। वह क्या है? बहुत से लोगों ने रनों की अंतहीन शक्ति को देखा जो येजिविन के शरीर में फूट पड़ी और चार दानव सीलिंग सरणियों को फिर से खोल सकती थी। वह कौन सी शक्ति है? वह कैसे हो सकती है? उसके पास अब अतिरिक्त शक्ति है। ल्यूओ जेन के शैतान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप भी दिखाया। अभी जब उसने देखा कि तुम जिविन ने तीन बैंगनी गड़गड़ाहट संतों को नहीं बचाया, तो उसे लगा कि अंतिम विश्लेषण में ये स्वर्गीय स्वामी अभी भी एक एक करके क्रूर और क्रूर थे। यदि आप केवल अपने स्वयं के अत्यधिक शक्तिशाली लोगों की परवाह करते हैं, तो इस समय भी आप नहीं जानते कि एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करें। तुम मरने के योग्य हो, क्योंकि उन्हें भी इन लोगों से सहयोग की उम्मीद है। तभी वे अपने लिए अधिक समय निकाल सकते हैं। क्या पता नतीजा ऐसा हो ही नहीं। ये जिविन ने जिली शेंगजुन, चोनशुई जिजुन और लिंग्यून काउंटी जून को नहीं बचाया, लेकिन उसके पास अभी भी एक कार्ड है। वह इसका समर्थन नहीं कर सकते और यह चार दानव सीलिंग सरणियों को फिर से खोल सकता है। हालांकि यह केवल एक छोटा सा कोना है, ये पर्याप्त है। यदि तुम जिविन भागना चाहते हो तो ये काफी है। नहीं, वह भाग रहा है। ल्यूओ जुवान ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि ये जिविन भाग सकते हैं। शुरू से ही जब उसने ये जिविन को पाया, तो उसने पाया कि वह निम्न स्तर पर था। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि ये जिविन पांचवें क्षेत्र में सिर्फ एक साधारण शिखर था। बाद में टू जिविन ने छठे क्षेत्र की तुलना में एक लड़ाकू शक्ति को तोड़ दिया और अब उसके पास वास्तव में चार दानव सीलिंग सरणियों को तोड़ने की क्षमता है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था, क्योंकि कोई भी इसे करने में सक्षम नहीं था। भले ही चार दानव सीलिंग सरणी की मुख्य ताकतों का इस्तेमाल युक्तियांदाओ को दबाने के लिए किया गया था जो कि गिरने वाला था, ये कुछ ऐसा नहीं था जो सामान्य त्यानजुन कर सकता था, क्योंकि उसके लिए ऐसा करना असंभव था। अब हालांकि ये जिविन ने दूसरों को मार डाला, वह बच गया और चार किंग लेवल ड्रैगन नसे ले गया। यह असहनीय है। वह कभी भी किंग लेवल ड्रैगन नस को बाहर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन अब ये जिविन भागने वाला है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह यहाँ से जा ही नहीं सकता, अन्यथा विशाल व्यूह के मार्गदर्शन के बिना राक्षस युग का स्वर्ग यहाँ आ ही नहीं सकता। हालांकि स्वर्ग का मार्ग मजबूत है, उसे मार्गदर्शन करने वाले की आवश्यकता है और वही मार्गदर्शन करने वाला है। जब अन्य स्वर्गीय स्वामी चिल्लाए, तो उन सभी ने एक के बाद एक इसे प्रतिबिंबित किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये जिविन का इरादा देखा है और सोचा कि वह भागना चाहता है। ये सचमुच एक रहस्य है। मैंने बहुत योजना बनाई, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ये जिविन जैसा हादसा हो गया। हालांकि जब वे बेहद उदास थे, तो चार स्वर्ग सीलिंग सरणी में एक बड़ा छेद खुलने के बाद ये जिविन बच नहीं पाए जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। इसके विपरीत इस युग के सामने तियानदाओ ने तियानजुन को विकसित किया, वह बिल्कुल भी नहीं हिला। एक भयानक सदमे की लहर बह निकली और सीधे उन्हें बाहर कर दिया। ये जिविन के शरीर का सर्वोच्च ताबीज था जो उड़ गया और उन्हें रोक दिया। हाथ में तीन राजा स्तर की ड्रैगन नसों के साथ ये जिविन के पास सर्वोच्च पूर्वज रूल से आग्रह करने और सीधे दर्जनों स्वर्गीय देवताओं को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। हालांकि यह केवल समय की अवधि है, उसके लिए इतना ही काफी है। ये जिविन मुस्कुराए और अपना हाथ फैलाया। अचानक उसके हाथ से अनगिनत सोने के तार छूट गए और एक विशाल सरणी में बदल गए। इसने एक क्षण में आकार ले लिया। उसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जब हर कोई सोच रहा था कि तुम जिविन क्या करने जा रहे थे, उस सरणी के मार्गदर्शन में चार दानव सीलिंग सरणी में छिद्रित छेद में एक भयानक इच्छा शक्ति आई। जैसे पिछले राक्षस युग की वसीयत आई थी, वैसे ही एक और भयानक वसीयत आई। ये वसीयत कुछ कुछ दानव काल की वसीयत जैसी ही है, लेकिन दानव काल की वसीयत से कई गुना ज्यादा मजबूत है। एक ऐसा है जैसे सूर्यास्त होने वाला है और दूसरा दोपहर के समय सूर्योदय जैसा है। कोई तुलना ही नहीं। ये है वुडाओ युग में स्वर्ग की इच्छा। ल्यूओ जेन शैतान अचानक जाग गया। वुडाओ युग में स्वर्ग की इच्छा ने आने वाले क्षण में उसे चौंका दिया। उन्होंने लगभग पहली बार में ही स्वर्ग की इस इच्छा के मूल को पहचान लिया, क्योंकि इस युग का नायक वुडाओ युग है और राक्षस युग और वुडाओ युग के बीच लड़ाई एक या दो बार नहीं है। वह कैसे नहीं जान सका, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वुडाओ युग में तियानदाओ की इच्छा होगी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये जिविन वुडाओ युग में तियानजुन थे और दया तियानजुन का नाम कभी नहीं सुना गया था। और जल्द ही उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे डर है कि महान धर्मी परमेश्वर का नाम भी छिपा हुआ है।
स्वाभाविक रूप से राक्षस युग और मार्शल युग के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध कहने की आवश्यकता नहीं है। वे नहीं जानते कि कितने विशेषज्ञ एक दूसरे के हाथ में पड़ गए। कहा जा सकता है कि ये समुद्र जितने गहरे हैं। अब अंततः उसे समझ आ गया है कि उसने बार बार गलत गणना क्यों की, क्योंकि शुरू से ही उसने सोचा था कि वह गलत था, लेकिन वास्तव में शुरुआत से ही गलतियां थी। ये ज़िवेन प्राचीन युग के देवता नहीं है, बल्कि वुदाओ युग के देवता है। अंतर बहुत बड़ा है। ये ज़िवेन के साथ उसके लिए किसी भी योजना में सफल होना असंभव है। ये दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला का मूल है। पूरे दिन जंगली हंसों को पीटना सच है। आखिरकार जंगली हंसों ने उनकी आंखों में चोंच मारी। जब वह ये ज़िवेन की गणना कर रहा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन भी उसकी गणना कर रही थी। वर्तमान परिणामों से ये स्पष्ट है कि तू ज़िवेन बेहतर है, क्योंकि उसकी गणना कर ली गई थी, लेकिन वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वुडाओ युग में स्वर्ग की इच्छा आई और यही ये ज़िवेन की मूल योजना है। भगवान लुओ चाहते हैं कि दानव युग में स्वर्ग की इच्छा इस युग में बलिदान को पूरा करने और महान लाभ प्राप्त करने के लिए स्वर्ग को निगल जाए। ये ज़िवेन भी वही काम कर सकता है, लेकिन वह पहले हमेशा अपनी ताकत और उद्देश्य छुपाता रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बहुत जल्दी शुरू करेगा तो वह लॉर्ड लुओ का लक्ष्य बन जाएगा। दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये लुओ है। शैतान ही ऐसा अस्तित्व है जिसे वह भी नहीं देख सकता है। मुझे डर है कि ताकत के मामले में वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए वह इसे अब तक ही सहन कर सकता है। सौभाग्य से, हालांकि लुओ है शैतान का दिमाग गहरा है और शहर की सरकार बहुत गहरी है, वह स्पष्ट रूप से खुद पर बहुत आश्वस्त है, इसलिए वह आसानी से अपने ही जाल में फंस गया और खुद के लिए गणना की। वुडाओ युग की तियांदाओ वसीयत के आगमन के साथ आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो नायकों का दृश्य अचानक त्रिपक्षीय टकराव बन गया। वुडाओ युग की प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद इस युग की तियांदाओ इच्छा शक्ति, जो पहले से ही अस्थिर थी, को अचानक जोरदार झटका लगा। दर्जनों तियानजुन जो विकसित हो चुके थे शुद्ध मूल ऊर्जा में बदल गए और युग में ही लौट आए। नए जोड़े गए वुडाओ युग के हमले का विरोध करने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। युगों के बीच टकराव की तुलना में तियानजुन के बीच टकराव ताओ के लिए पर्याप्त नहीं है। तीन नायक आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो आसन है। युग तियांदाओ की टक्कर जैसे भूस्खलन और सुनामी, भले ही ये तियानजुन जितनी शक्तिशाली हो, स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश जैसी भयानक भावना महसूस कर सकती है। मूल रूप से तियांदाओ के कमजोर युग और दानव दाओ के युग के बीच टकराव सुनामी की तरह था। प्रत्येक टक्कर एक भारी झटके की तरह थी, जिसने प्रमुख स्वर्गीय देवताओं को प्रभावित किया। मन कांप रहा था और जब वुडाओ युग शामिल हुआ तो ये सब और भी अधिक अस्त व्यस्त था। यह एक छोटे तालाब की तरह था जो तीन वेलों में बटा हुआ था, नदियों और समुद्रों को पलट रहा था और सब कुछ नष्ट कर रहा था। तीन के स्वर्गीय मार्ग तारांकन 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 तारांकन। साथ न दे पाने का पहला लक्षण और कुछ नहीं है। ये वही युग तियांदाओ है जो खत्म होने वाला है, क्योंकि यह नष्ट होने वाला है। केवल जब ये राक्षस युग और मार्शल युग से मिलता है तो ये प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है कि यह पार्टी पहले ही मृत दुनिया में गिर चुकी है और इंच दर इंच ढहने लगी है। दो तारांकन द्वारा हमला किए जाने के बाद वह अंततः टिक नहीं सका। हालांकि इस समय राक्षस युग के तियांदाओ ने वुडाओ युग की शुरुआत करते हुए बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। तीन युगों में वुडाओ युग सबसे शक्तिशाली है, आकाश में चिलचिलाती धूप की तरह, और राक्षस युग का तियांदाओ एक सूर्यास्त है जो गिरने वाला है और केवल थोड़ी सी बात की चमक वाला सूर्यास्त है। एक बार जब युग तियांदाओ पराजित हो जाता है तो अधिकांश दानव युग वुडाओ युग नहीं कर सकते।
इस समय हम केवल विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और जो युग तियानदाओ गायब होने वाला है उसे सांस लेने का मौका मिला है। इस समय ये जिवेन और लुओ शुन शैतान के चेहरे बदसूरत हो गए। अब तक तीन तारांकन 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 तारांकन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगमन के चैनल को बनाए रखने के लिए लगातार इनपुट, ढेर सारे संसाधन और यहाँ तक कि अपने मन को भी लगातार निवेश करना चाहिए, विशेषकर लॉर्ड लुओ। इसे लंबे समय तक बनाए रखा गया है और तीनों की हर टक्कर तारांकन 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 तारांकन। पलटवार की सीधी लहर एक सम्राट को पूरी तरह से गिरा सकती है। इसके अलावा भले ही वह उसके जितना ही मजबूत था, इसका एक भयानक प्रभाव महसूस हुआ था और दूसरी तरफ ये जिवेन का चेहरा पीला दिखने लगा था। इस आने वाले चैनल को बनाए रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वर्ग का रास्ता लगातार गिर रहा है और उसी चैनल से होकर आ रहा है। यदि उसे अभी अभी तीन किंग स्तर की ड्रैगन नसें नहीं मिली होती तो मुझे डर है कि वह इस तरह की खपत का समर्थन नहीं कर पाता। इस सरणी को बनाए रखने के लिए हमें हर समय बड़ी मात्रा में आभा का उपभोग करना चाहिए। पहले मुझे केवल स्वर्गीय गुरु का उपयोग पसंद था, हालांकि मेरी कुछ भावनाएं थी, लेकिन जब मैंने बड़ी श्रृंखला स्थापित की तो मुझे उतनी गहरी अनुभूति नहीं हुई। ये निर्देशित सारणी भी झोंग तियानजुन से सीखी गई थी, हालांकि उन्होंने झोंग तियानजुन से सीधे तौर पर नहीं पूछा। रहस्यमय अंतरिक्ष के अस्तित्व का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, ये सरणी कठिन नहीं है। प्रत्येक युग में इस युग में स्वर्ग के आगमन का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसी गुप्त विधि होती है, यह कोई रहस्य नहीं है। वास्तविक बड़ी खपत सरणी को बनाए रखने में लगने वाला समय है। उदाहरण के लिए, जब गेंगजिन युग नष्ट हो गया तो कुछ दिनों और रातों में उपभोग किए गए संसाधन खगोलीय और अकल्पनीय थे। केवल झोंगटियानजुन जैसे पुराने और बेहद मजबूत लोग ही इतनी संपत्ति जमा कर सकते हैं। अब कुछ समय तक इसे बनाए रखना उनके लिए कठिन था। खाने के लिए पकड़ी गई किंग लेवल ड्रैगन नस इसका दसवां हिस्सा खा चुकी है। भयानक उपभोग गति वास्तव में आम लोगों की पहुंच से परे है। सौभाग्य से इस युग में स्वर्ग का मार्ग अपेक्षाकृत रूप से गेंग और जिन राजवंशों जितना शक्तिशाली नहीं है। इसे निगलना भी आसान है, हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। स्वर्ग की इच्छा के निरंतर आगमन की प्रक्रिया में वह स्वर्ग को समझने का अवसर भी ले सकता है। मूल रूप से वह पहले से ही पांचवें क्षेत्र का शिखर है। स्वर्ग की इच्छा के निरंतर आगमन के साथ उसने छठे क्षेत्र के कई राज्यों का पता लगाना भी शुरू कर दिया है, जिसे बचाने के लिए न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एकमात्र परेशानी लॉर्ड लुओ द्वारा बुलाया गया बुराई का युग है। वो ये भी जानता था कि अब मुझे डर है कि लॉर्ड लुओ उसका मांस खाना, उसका खून पीना और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहेगा। एक अच्छी योजना, ये जिवेन के बीच संबंधों के कारण सभी प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं और अब भोजन हड़पने के लिए स्वर्ग का एक और युग है। उसके अच्छे कामों को ये जिवेन ने पूरी तरह से परेशान कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि ये जिवेन मर जाए। इसने दानव युग को लुप्त हो रहे युग तियानदाओ के साथ मिलकर बुडाओ युग के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।
हालांकि फिर भी वुदाओयुक की आक्रामकता के सामने दोनों पक्ष अभी भी पीछे हट गए, क्योंकि उनकी अपनी ताकत वुदाओयुक की तुलना में तुलनीय नहीं है। भले ही दुष्ट युग इतना प्रचंड हो और हर जगह वुदाओयुक का विरोध करता हो, उसे वुदाओयुक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य प्राचीन युगों को खींचना होगा, अन्यथा यह नष्ट हो जाएगा। यही वर्तमान युग की शक्ति है। धतेरी की लॉर्ड लुओ ने अंततः अपना क्रूर रूप दिखाया, अपने दांतों को काटा और येजीवेन को घूर कर देखा। वह जानता था कि अब स्थिति को तोड़ने की कुंजी येजीवेन है। जब तक येजीवेन मर गए और भाग भी गए, वुदाओ युग में स्वर की इच्छा एक पल में गायब हो जाएगी। उनके सरनी मार्गदर्शन के बिना वुदाओ युग की इच्छा बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी, लेकिन वह हिल नहीं सकता, अन्यथा बुरे युग में ये स्वर की इच्छा होगी। इस तरह वुदाओ युग के लिए दो तारांकन 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 को हराना केवल समय की बात है। तारांकन 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 तारांकन। आओ तुम चार राक्षसों को छोड़ दो और पहले धर्मी भगवान को मार डालो, लॉर्ड लुओ ने दहाड़ते हुए कहा। चार राक्षस जो मूल रूप से चार कोनों में थे और चार राक्षसी सरनी बनाए रखते थे, तुरंत लुओ हुआन ने जो कहा उसे समझ गए और चार राक्षसी सरनी को छोड़ दिया। इस समय मुख्य कार्य मरते हुए युग तियानदाओ से निपटना नहीं है, बल्कि वुडाओ जियुवान के उपद्रवी को बाहर निकालना है। चार शक्तिशाली शख्सियतें एक पल में उड़ गई और सीधे येजीवेन पर आ गई। वे बिजली की तरह तेज थे, उन्होंने पहले ही एक पल में येजीवेन को मार डाला था। ये देखकर कि येजीवेन हमला करने वाला था, अचानक उसके शरीर पर सर्वोच्च पैतृक प्रतीक उड़ गया और एक विशाल और अतुलनीय आभासी छाया सीधे हवा में विकसित हुई। यह आभासी छाया ऊंची अराजकता में एकमात्र स्वामी प्रतीत होती थी और कोई भी चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, इसने उपस्थित सभी स्वर्गीय देवताओं को स्तब्ध कर दिया। फूजू, ये जिवेन ने दहाड़ लगाई, जिसका अर्थ ये था कि उसने सर्वोच्च पूर्वज के फूफू में निहित फूजू की भावना का एक अंश उसे प्रकट करने के लिए मजबूर किया, ताकि फूजू के पुनर्जन्म का आश्चर्य बन सके। लेकिन सर्वोच्च पूर्वज के फूफू में फूजू के मूल देवता से आग्रह करना इतना आसान है कि इसने ड्रैगन नस का पूरा पांचवा हिस्सा खा लिया। उसके शरीर में एक गहरे राजा स्तर का ड्रैगन संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था, और उसकी आभा एक पल में लुप्त हो गई, पांचवा भाग गायब हो गया। विकसित फूजू में एक अद्वितीय गति है और यह इन मारे गए राक्षसों को तुरंत डरा सकता है। हालांकि ये राक्षस बुरे रास्ते के युग में अति शक्तिशाली होने के योग्य है। लगभग तुरंत ही वे अपने होश में लौट आए और इस विशाल फूजू की आभासी छाया की ओर बढ़ गए, क्योंकि ये जिवेन इस समय फूजू की आभासी छाया में है। यदि आप फूजू की आभासी छाया को खत्म नहीं कर सकते, तो आप ये जिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। ये जिवेन ने अपने दांत भींच लिए। फूजू की आभासी छाया को बनाए रखने के लिए उसे हर समय अनगिनत आभाओं का उपभोग करना पड़ता था। राक्षस युग की राजा स्तर की ड्रैगन नस, जिसका उपयोग उपभोग्य वस्तु के रूप में किया जाता था, हर समय जलती रहती थी। फूजू की आभासी छाया को बनाए रखने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले चैनल को बनाए रखना था। जैसा कि कहा जाता है, चीजों के पक्ष और विपक्ष को भी दो पक्षों में विभाजित किया जाना चाहिए। हालांकि इन राक्षसों ने चार राक्षसों के साथ इस युग के स्वर्ग के रास्ते को अवरुद्ध करना छोड़ दिया और उस पर हमला करने के लिए आए, लगभग तुरंत ही उसकी स्थिति को गंभीर स्थिति में डाल दिया। लेकिन इसी तरह चार राक्षस सीलिंग सरणियों की नाकाबंदी के बिना मार्शल आर्ट के आने वाले युग के लिए स्वर्ग की इच्छा थोड़ी अधिक मजबूत है, क्योंकि इस चार दानव सीलिंग सरणी ने न केवल मरने वाले युग तियानदाओ को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि वुडाओ युग के तियानदाओ वसीयत के आने को भी रोक दिया। अब इस नाकाबंदी के बिना युग तियानदाओ की शक्ति, जो गायब होने वाली है, अचानक बहुत बढ़ गई है। यह अब अवरुद्ध नहीं है और वह जो शक्ति स्थानांतरित कर सकता है वह भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो अधिक भयावह है वह ये है कि वुदाओ के युग की शक्ति को बिना किसी रोक टोक और हस्तक्षेप के कई गुना नहीं बढ़ाया गया है। आपको पहले सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के साथ ये जिवेन द्वारा खेले गए छेद से आने की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं और सभी दिशाओं में घूम सकते हैं। स्वर्ग के मार्ग की शक्ति भी इस समय तीक्ष्ण और विशद रूप से परिलक्षित होती है।
अचानक वह लुढ़क गया। हालांकि खत्म हो रहा तियांदाओ युग बहुत मजबूत हो गया, फिर भी यह वुडाओ युग की मजबूती से बहुत दूर था। लगभग कुछ ही सांसों में वह पूरी तरह से हार गया। वुडाओ युग ने पूरे युग को निगल लिया। पिछली बार गेंग जिन युग को निगल जाने के बाद वुडाओ युग अधिक शक्तिशाली था। ये ज़िवेन ये भी देख सकते थे कि वुडाओ युग के आगमन की इच्छा के बीच गेंग जिन कानून सक्रिय था, जो सामान्य कानून की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय था। इस युग के टकराव में गेंग जिन का कानून एक तेज चाकू की तरह है, जिसने निर्दयता पूर्वक मरते हुए युग तियांदाओ में वार किया। इस बार मरते हुए युग तियांदाओ को इतनी जल्दी मार दिया गया। गेंग जिन के कानून की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। जाहिर है गेंग जिन युग को निगलने के बाद वुडाओ युग और अधिक शक्तिशाली हो गया है। तियांदाओ युग को निगलने के ठीक बाद जो लुप्त होने वाला है, ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि वुडाओ युग फिर से मजबूत हो गया है। हालांकि इस मजबूती की भयावहता गेंग जिन युग को निगलने की तुलना में बहुत कम अतिरंजित है। ये वुडाओ युग जैसे शक्तिशाली युग के लिए काफी भयानक है। सबसे स्पष्ट बात यह है कि वह और अधिक आक्रामक हो गए। गिरते युग तियांदाओ को निगलने के बाद उसने सीधे राक्षस युग के तियांदाओ पर हमला किया। हालांकि दानव युग तियांदाओ का गिरता हुआ युग नहीं है। आखिरकार शिखर काल के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है और ये दानव युग का घर नहीं है। लेकिन ये सब दूर है, एक दूसरे की ताकत पहले से ही बहुत स्पष्ट है। राक्षस युग बिल्कुल भी मार्शल युग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मार्शल युग की तो बात ही छोड़ दे, जो अब मजबूत हो गया है। वुडाओ युग की तियांदाओ वसीयत दानव युग की तियांदाओ वसीयत को एक झटके में निगलने के लिए है, लेकिन तियांदाओ वसीयत का कुछ हिस्सा निगलने से वुडाओ युग और भी शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि लॉर्ड लुओ केवल इस दृश्य को देख सकते हैं। कोई रास्ता ही नहीं है। उसे खुद आने वाले चैनल को बनाए रखना होगा और वह टूट नहीं सकता। दूसरी तरफ राक्षसों के पास ये ज़िवेन को भेदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो फुज़ू की आभासी छाया के संरक्षण में है। पूरा दृश्य गतिरोध में पड़ गया। ये कहा जाना चाहिए कि राक्षस युग में लोग एक गतिरोध में पड़ गए थे, जिसमें ये ज़िवेन के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ये ज़िवेन धीरे धीरे अपने फायदे बढ़ा रहा था। वुडाओ युग की तियांदाओ इच्छा शक्ति के हमले के तहत दानव युग की तियांदाओ इच्छा शक्ति धीरे धीरे पीछे हटती है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले दानव युग की तियांदाओ इच्छा शक्ति गिरती हुई तियांदाओ इच्छा शक्ति पर हमला करती है। ये बिल्कुल भी समान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस युग में तियांदाओ के किसी भी युग की तुलना वुडाओ युग से नहीं की जा सकती। ये वुडाओ युग का युग है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह एक गतिरोध है, लेकिन ये बस थोड़ा सा समय है, क्योंकि वुडाओ युग में पिछली उपलब्धियों के निरंतर पाचन के साथ उसकी ताकत और मजबूत हो जाती है। राक्षस युग की इच्छा शक्ति के आक्रमण का प्रतिकार करने की गति तीव्रतर से तीव्रतर होती जा रही है। स्वर्ग के दो युगों के बीच टकराव समुद्री ज्वार की तरह है, जो एक के बाद एक बदलता रहता है। वुडाओ युग मजबूत और मजबूत होता जा रहा है और राक्षस युग में स्वर्ग की इच्छा को लगातार निगलता जा रहा है। इस प्रक्रिया में ये और अधिक मजबूत हो गया है और शॉट की ताकत और अधिक भयानक हो गई है। इस समय को देखकर लॉर्ड लुओ को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि इस समय स्थिति को उलटने का कोई रास्ता नहीं है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले पूरे बुराई के युग में स्वर्ग की इच्छा पूरी तरह से निगल ली जाएगी। उस समय उन्होंने वास्तव में अपनी पत्नियों और सैनिकों को खो दिया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सोचते हुए वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका और सीधे शैतान रोड के पूरे युग में स्वर्ग की इच्छा की गिरावट के चैनल को बंद कर दिया। राक्षस युग में स्वर्ग की इच्छा को वापस लेने दे, मार्शल युग में टकराव के कारण नहीं, क्योंकि उसने इस तरह से लड़ना जारी रखा। मुझे डर है कि ये ज़िवेन को इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे इस पर कायम रहना होगा। उसने बहुत अधिक भुगतान किया और बहुत अधिक खोया, लेकिन उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ। कहा जा सकता है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि भगवान लुओ ने शैतान युग की स्वर्गीय इच्छा को दृढ़ता से वापस ले लिया, शैतान युग की कुछ स्वर्गीय इच्छा को वुडाओ युग ने निगल लिया था और वापस भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार राक्षस युग भी बहुत कष्ट देगा। हालांकि इसे स्वर्ग के युग की तरह वुडाओ युग द्वारा निगला नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत धूमिल भी है। धिक्कार है महान धर्मी भगवान, आप आज मर गए। इस समय राक्षस युग को बनाए रखने के लिए वास्तव में स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। ये ज़िवेन से निपटने के लिए लॉर्ड लुओ वास्तव में अपना हाथ मुक्त कर सकते हैं। वह सचमुच गुस्से में है। ये ज़िवेन ने अपने ही बैकहैंड में दरार डाल दी है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका अंतिम लक्ष्य स्वर्ग के उस युग को निगलना है जो लुप्त होने वाला है। बदले में वुडाओ युग को निगल लिया गया, जिससे वुडाओ युग और अधिक भयानक हो गया।
उसने सचमुच अपनी पत्नी को खो दिया और अपने सैनिकों को खो दिया। ये सबके लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। ये गणना करना असंभव था कि उसने कितना भुगतान किया था। वह नहीं जानता था कि उसने कितने समय तक तैयारी की थी और अनजाने में गायब होने वाले स्वर्ग के युग की खोज करने, तैयारी करने, ये जिवेन और अन्य लोगों को राक्षस की इच्छा के आने की तैयारी के लिए ढूंढने में उसने कितनी ऊर्जा खर्च की थी। योग अब वे सभी पानी में चंद्रमा के दर्पण में फूलों में बदल गए हैं। यदि ये जिवेन को आज नहीं मारा गया तो उसे बस यही लगता है कि वह एक हृदय दानव बन जाएगा। ये जिवेन को ये देखकर राहत मिली कि भगवान लुओ ने राक्षस युग को जारी रखने की अपनी इच्छा छोड़ दी, क्योंकि वह जानते थे कि अंततः इसका अंत हो रहा है। इस बार उन्होंने लॉर्ड लुओ की साजिश का पता लगाया, फिर इसमें भाग लिया, अंत में परेशान पानी में मछली पकड़ी और अंत में लक्ष्य तक पहुंच गए। इसने दानव युग को मजबूत नहीं बनाया, इसके विपरीत इसने मार्शल युग को भी मजबूत बना दिया। हालांकि उसने एक बड़ी कीमत चुकाई, एक राजा स्तर की ड्रैगन नस भस्म हो गई और स्वर्ग की इच्छा को बुलाने की प्रक्रिया में शून्य में बदल गई। वुदाओ युग और फूजू की आभासी छाया को बनाए रखने से उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। बेशक वास्तविक लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम वुदाओ युग में लौटेंगे, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात बच निकलना है। लॉर्ड लुओ ने अपना क्रोध पूरी तरह से छोड़ दिया है और ये जिवेन हजारों मील दूर से क्रोध महसूस कर सकते हैं। अगर उसने अपने शब्द बदल दिए तो मुझे डर है कि इससे जीवन भी नाराज हो सकता है और मर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉर्ड लुओ की ताकत अभी भी उनसे ऊपर है। अब तो एक ही रास्ता है, वह है भागो। लगभग तुरंत ही ये जिवेन ने अपना मन बना लिया था, तुरंत फूजू की आभासी छाया प्राप्त की और वुदाओ युग की दिशा में भाग गए। लगभग एक पल के लिए उसके पीछे का दानव विंग सीधे विस्तारित हुआ, एक विशाल सरणी पर कदम रखा और उसका शरीर एक पल में हजारों मील दूर चला गया। ये जिवेन अब पूरी तरह से खुला है। हालांकि जब वह भागने वाला था, उसी समय जिन राक्षसों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था वे आगे बढ़े और एक के बाद एक उन्हें मार डाला। वे अतुलनीय रूप से समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ सुपर मास्टर भी है। स्वाभाविक रूप से वे इस समय ऐसे सेनानियों को याद नहीं करेंगे, लेकिन एकमात्र चीज जिसका उन्होंने गलत अनुमान लगाया वह ये जिवेन की ताकत थी। छठे लोक में उसका सामना एक राक्षस से हुआ। उसकी ताकत भी इन राक्षसों में सबसे मजबूत थी, लुओ हुआन के बाद दूसरे स्थान पर। छठे क्षेत्र की ताकत बैंगनी वज्र संत की ताकत से भी तुलनीय है। स्वाभाविक रूप से लुओ शैतान पूरी तरह से तैयार है और बैंगनी थंडर संत ये जिवेन और अन्य को वापस लड़ने का मौका नहीं देगा। केवल अंत में उन्होंने ये जिवेन की ताकत का गलत अनुमान लगाया, जिससे वर्तमान स्थिति पैदा होगी। छठे लोक के शैतान के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। यदि ये तुम जिवेन नहीं होते तो वे सफलता से पीछे नहीं रहते। गेंग और जिन राजवंशों के विनाश में ये जिवेन की सहायता की तरह इस समय स्वर्ग के मरते हुए युग के विनाश की प्रक्रिया में उन्होंने योगदान दिया और उस समय महान लाभ प्राप्त कर सकते थे। अब ये जिवेन के कारण ये सब खत्म हो गया है। मैं लंबे समय से अपने दिल में इससे नफरत करता हूँ। तुम मुझे रोकना चाहते हो? एक तेज धार के साथ ये जिवेन उसके शरीर से उड़ गया। वह हवा में उड़ गया और बड़ा होता गया। एक पल में वह एक पहाड़ के आकार में बदल गया और फिर छठे दायरे में शैतान पर हमला कर दिया। ये वो जुनिन है। इतने लंबे समय तक छिपने के बाद ये जिवेन को अंततः अपनी ताकत छुपानी नहीं पड़ी और वह वास्तव में अपनी अतुलनीय ताकत का उपयोग कर सका। टकराना। छठे दायरे में शैतान को पकड़ लिया गया, क्योंकि उसने सोचा कि वह आक्रामक पक्ष में था और उसने यह नहीं सोचा था कि ये जिवेन ने वास्तव में कहा था कि वह ऐसा करेगा और उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो जुनिन भयानक है, खासकर जब इसका अभ्यास योग्यता और सदाचार के क्यूई बलिदान को एकीकृत करके किया जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से योग्यता और सदाचार का एक पवित्र उपकरण नहीं बन पाया है, ये स्वर्ग और ताओवाद के उपकरणों में भी शीर्ष पर है। छठे दायरे का शैतान मौके पर चिल्लाया और वो जुनिन ने उसे गोली मार दी। वह हड्डी के मलबे से टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह तुम्हें जिवेन ले जाना चाहता था। कौन जानता है कि ये शिवेन इतना भयंकर था कि उसने उसे एक ही बार में तोड़ दिया। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। ये जिवेन के हाथ को पता ही नहीं चला कि कब गेंग जिनजू द्वारा गैसीकृत किया गया एक अतिरिक्त लंबा चाकू था। वह अचानक चाकू खाकर गिर पड़ा। ये केवल एक साधारण चाल थी, लेकिन इसमें अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति थी। एक चाकू ने छठे क्षेत्र में शैतान द्वारा उजागर किए गए युवान भगवान को शून्य में विभाजित कर दिया। ये सब एक लंबी कहानी है, लेकिन ये केवल एक क्षण है। ये बस एक क्षण है। छठे दायरे में एक राक्षस को ये जिवेन ने नष्ट कर दिया है और उसकी सारी संपत्ति ये जिवेन ने ले ली है।
इस क्रूर दृश्य ने तुरंत अन्य तीन राक्षसों को भयभीत कर दिया जो घेराबंदी के लिए तैयार थे। हालांकि येजीवेन द्वारा छठे क्षेत्र में राक्षस को मारने का मतलब एक गुप्त हमला था, अन्यथा उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि येजीवेन की अपनी ताकत पांचवें क्षेत्र को पार कर गई है और छठे क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। वे इससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकते, यहाँ तक कि उनके पास केवल पांचवें लोक की खेती भी है। वे येजीवेन से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? झिझक के इस थोड़े से समय में येजीवेन घेरे से बाहर निकल गए और सीधे दहाड़ते हुए चले गए। यदि ये राक्षस घेराबंदी करते हैं तो ये स्पष्ट है कि वे ये शिवेन के कदमों को खींच सकते हैं, लेकिन इसी तरह वे मर जाएंगे। मृत्यु और अस्तित्व के बीच वे सभी जीवित रहना चुनते हैं। कचरे का ये समूह लुओ जेन की शैतान आत्मा की सात चालों ने उसे क्रोधित कर दिया। ये शिवेन को दूर जाते देखकर लॉर्ड लुओ को लगा कि ये साथी राक्षस बेकार और कमीनों का एक समूह थे। कार्य दिवसों में वे क्रूर और क्रूर दिखते थे, लेकिन जब वे वास्तव में कड़ी मेहनत करना चाहते थे तो वे पीछे हट गए। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह अभी भी इन साथियों को समझ सकता है, क्योंकि वह अभी येजीवेन की अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता से भी आश्चर्यचकित था। येजीवेन के बारे में उनका उच्चतम अनुमान छठे क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता के बराबर है, जो कि येजीवेन द्वारा पहले दिखाई गई युद्ध प्रभावशीलता के अनुरूप है। लेकिन अब येजीवेन की ताकत ने एक बार फिर उसकी अनुभूति और ऊपरी सीमा को ताजा कर दिया है। ये छठे क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता और छठे क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता के समान नहीं है। अंतर की गणना तर्क से मुश्किल से ही की जा सकती है। पहले से तुजीवेन ने लगातार अपनी अनुभूति और ऊपरी सीमा को ताजा किया है। अब तक यह उसके निरंतर आश्चर्य के कारण ही है कि वह उन राक्षसों को डरा सकता है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ये कैसे हो सकता है। हालांकि ये जीवेन के अंतहीन कार्ड अभी भी उसे काफी सिरदर्द महसूस कराते हैं। उसने लोगों को अनगिनत कार्डों के साथ देखा है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि प्रत्येक कार्ड कुछ युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है। लेकिन इस वजह से उसने अपने दिल में हत्या करने का विचार बना लिया। ये आदमी बहुत खतरनाक है। मार्शल आर्ट के युग में वह अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसे अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब उन प्राचीन युगों में स्वर्ग और पृथ्वी के महान पतन का अनुभव हुआ तो उनके लिए वर्तमान युग की तरह तेजी से बढ़ना मुश्किल था। इसलिए जब उन्हें कोई मिलता था तो उन्हें एक को मारना पड़ता था। तुम क्या कर रहे हो? पीछा मत करो। इस समय भगवान लुओ दहाड़ने लगे और उन राक्षसों को भगवान लुओ से बहुत डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत पीछा किया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। साथ ही वे ये भी समझते हैं कि पहले यह उनकी झिझक थी। बस येजीवेन को इतनी आसानी से भागने दो, इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और पकड़ने के लिए जल्दबाजी की। एक विशाल और असीम अराजकता में एक आकृति रात के आकाश से कटती हुई उल्का की तरह है। अव्यवस्था के बीच चलते हुए उसकी गति इतनी तेज हो गई है कि मानो अंतरिक्ष में पलक झपक रही हो। उसका शरीर झिलमिलाता है। हर बार जब वह प्रकट होता है तो वह मूल स्थान से कम दसियों लाख मील दूर होता है। इतनी दूरी असीम अराजकता में है, लेकिन ये बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं लगता। इस छाया के गुजरने के तुरंत बाद एक और छाया गुजरी सीधे उस आकृति का पीछा करते हुए जो अभी अभी आई थी, और समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। दाई तियान जून, तुम मर चुके हो, तुम भाग नहीं सकते। भले ही तुम बुढ़ाओ युग के दायरे में भाग जाओ, तुम भी मर जाओगे। अराजकता में एक बड़ी गर्जना प्रकट हुई, एक उग्र ज्वार की तरह फैल गया और पूरे अराजकता में एक विशाल भेड़िया खड़ा हो गया। अतीत में कुछ समय बाद अंततः तीन आंकड़े आए। मैंने उसका पीछा किया। सामने दो आकृतियों की गति की तुलना में उनकी गति निस्संदेह बहुत धीमी है। वे केवल दूर ही लटक सकते हैं। दरअसल वे सामने वाले दो लोगों की स्थिति देख ही नहीं पाते। बस सामने वाले आदमी द्वारा छोड़े गए निशान का पीछा किया और सीधे पीछा किया। ये जीवेन बेतहाशा भागी और रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वह पूरे एक महीने से उड़ान भर रहा था, उसकी एक क्षण भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पीछे लॉर्ड लुओ उसका और करीब पीछा कर रहा था। दायरे और कौशल के मामले में लुओ हुआन तू जीवेन से कहीं अधिक भयानक है, जो अब सातवें दायरे की युद्ध शक्ति के करीब पहुंच रहा है। भले ही तू जीवेन ने अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। इसके विपरीत वह धीरे धीरे और भी करीब आता जा रहा है। सौभाग्य से येजीवेन ने बहुत जल्दी शुरुआत की और लॉर्ड लुओ को शुरुआत से ही दूर खींच लिया, अन्यथा वह बहुत पहले ही फंस गया होता। हालांकि तुजीवेन ने अभी भी देखा कि लुओ का कौशल झोंग तियानजुन की तुलना में कहीं अधिक खराब था, यहाँ तक कि चंद्रमा शहर के भगवान की तुलना में भी।
मुझे डर है कि चंद्रमा शहर के भगवान ने लंबे समय तक उसे पकड़ लिया है। शुरुआत में वह आसानी से चंद्रमा शहर के स्वामी द्वारा पकड़ लिया गया था। बेशक यह ज़िवेन शुरुआत की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है कि लॉर्ड लुओ चंद्रमा शहर के भगवान से भी बदतर है। इसके अलावा यह ज़िवेन अपने हाथ में सर्वोच्च पैतृक तावीज़ से नहीं डरते हैं। यह सचमुच अत्यावश्यक है। यह ज़िवेन भी लॉर्ड लुओ को मारने के लिए निश्चित है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है क्योंकि कीमत बहुत अधिक है। उसने सोचा कि चंद्रमा शहर के भगवान को पीछे हटाने के लिए इतनी कीमत चुकानी उचित थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान लुओ से निपटने के लिए बैल के चाकू से मुर्गे को मार डाला जाए। लॉर्ड लुओ जेन ने करीब और करीब पीछा किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच की दूरी अभी भी बहुत दूर थी। हालांकि यदि आप इस गति से पीछा करते हैं तो मुझे डर है कि उसे वुडाउयो की सीमा पर लॉर्ड लुओ द्वारा रोक दिया जाएगा। ये लॉर्ड लुओ की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी युग में उसके मूल क्षेत्र में बाहरी लोगों पर सबसे अधिक दबाव होता है, और जब वह किनारे पर आता है तो ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। वह आश्वस्त है, जब तक वह ये ज़िवेन को पकड़ेगा वह मर जाएगा। जहां तक अन्य राक्षसों की बात है, हालांकि वे पांचवें क्षेत्र में ये ज़िवेन के समान ही है, उनके कौशल में अंतर बहुत दूर है और वे पूरी तरह से पीछे रह गए हैं। कई दिनों तक पूरे रास्ते उड़ान भरने के बाद ये ज़िवेन ने वुडाउ युग में स्वर्ग का दबाव महसूस किया है। इस युग में उनके जैसे लोगों के लिए इस दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अन्य युगों के लोगों के लिए यह दबाव उनकी ताकत को दबाने के लिए पर्याप्त है। यह एक विशाल सीमा की तरह है, इसलिए एक युग को नष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम इस युग के स्वर्ग को समाहित करना है, अन्यथा इस युग के स्वर्ग द्वारा लाया गया दबाव अकेले आक्रमणकारियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। लॉर्ड लुओ जो उसके पीछे था अंततः उसे पकड़ लिया, बाहर निकला, उसके सामने दौड़ा और उसे रोक दिया। इस संबंध में ये ज़िवेन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते हैं। हालांकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, वास्तव में उसके पास केवल पांचवें क्षेत्र का क्षेत्र है और इसके विपरीत लुओयु कम से कम सातवें क्षेत्र का विशेषज्ञ है, जो बहुत दूर है। वास्तव में ये ज़िवेन अब तक पकड़े नहीं गए हैं। इसने लॉर्ड लुओ के दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। सम्राट के लिए उड़ान भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की पूर्ण उड़ान में बहुत अधिक मन की खपत होती है। ये ज़िवेन अब तक इसका समर्थन करने में सक्षम है। मुझे डर है कि छठे क्षेत्र के विशेषज्ञों के कौशल की तुलना में ये बुरा नहीं है। अब देखो तुम कहाँ बच सकते हो, लुओ जेन ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, तुम मर जाओगे। पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, हाँ हाँ हाँ, ये ज़िवेन ने हंसते हुए कहा। लॉर्ड लुओ, मुझे नहीं लगता कि आपने स्पष्ट रूप से देखा है ये किसका क्षेत्र है। मार्शल आर्ट युग के बारे में क्या? भले ही मेरे कौशल को दबा दिया गया हो, यह आपको साफ करने के लिए काफी है। लॉर्ड लुओ ठंडे स्वर में मुस्कुराए और ये ज़िवेन की बातों को दिल पर नहीं लिया। उनकी राय में ये सिर्फ ये ज़िवेन का कठोर मुंह था। ये ज़िवेन हंसे, आज तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। शब्दों के गिरने से पहले ये ज़िवेन ने अपनी सारी गति नष्ट कर दी थी और भयानक गति आकाश में उड़ गई। हम अब मुझे पता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लुओ जेन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने आसमान से अनगिनत रोशनियां गिरती देखी जो एक प्रकाश स्तंभ में संघनित हो गईं और ये ज़िवेन को उसमें एकीकृत कर दिया। प्रकाश स्तंभ में ये ज़िवेन की सांसें भयानक होने लगी। क्या हो रहा है, इतनी योग्यता कैसे हो सकती है? ये देखना आसान है कि प्रकाश के इस स्तंभ का सार योग्यता की भावना है, लेकिन प्रकाश का स्तंभ बनाने के लिए यह बहुत चमकदार है। हालांकि उन्होंने लगभग तुरंत ही कारण के बारे में सोचा, क्योंकि इससे पहले ये ज़िवेन ने वुडाउ युग को मरते हुए युक्तियांदाओं को निगलने में मदद की थी और राक्षस युक्तियांदाओं के हिस्से को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त और निगल लिया था। अब यही इनाम है। वह स्वर्ग के उस युग को नष्ट करना चाहता था जो लुप्त होने वाला था, मुख्यतः क्योंकि वह बुराई के युग से योग्यता और सद्गुण की भावना प्राप्त करना चाहता था। इस समय निस्संदेह वह समझ गया था कि क्या हुआ था, और वह योग्यता की भावना की भूमिका के बारे में भी बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा वहां बहुत सारे थे, योग्यता की भावना इतनी मजबूत थी। अंततः उसका चेहरा बदल गया। अब तक वह अंततः समझ गया कि ये ज़िवेन क्या करना चाहता था। ये पता चला कि ये ज़िवेन का असली उद्देश्य यही था। पिछले सभी पलायन कुछ भी नहीं थे, अब ये ज़िवेन की घातक चाल थी और वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आश्वस्त था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि योग्यता के आधार पर आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? ताकत और दायरे के बीच का अंतर किसी भी समय समान होता है।
इसे पार करना आपके लिए असंभव है। लॉर्ड लुओ की आवाज से पहले उसने ये जिवेन को मार डाला था। ये जिवेन के पास चाहे जो भी योजनाएं हो, जब तक उसने उसे मार डाला उसकी सभी योजनाएं बेकार थी। हालांकि वह आश्वस्त है, वह नहीं चाहता कि ये जिवेन इस तरह बड़ी हो, नहीं तो किस तरह के हादसे हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ, अब तक वह वास्तव में ये जिवेन को एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानता था जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। जहाँ तक अतीत की बात है, उसकी नजर में ये जिवेन बैंगनी गड़गड़ाहट वाले संत और अन्य लोगों की तरह थे। वह महज एक मेमना था जिसे मारकर उसे मछली पकड़ने दिया गया। अब आखिरकार मेरे पास उससे लड़ने की योग्यता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब उसके हाथ में एक अतिरिक्त तलवार है जो प्राचीन शांति को काटती है। केवल एक चाकू ही पृथ्वी को तोड़ने का सही अर्थ और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता दिखाता प्रतीत होता है। बस इसने स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ दिया और ये जिवेन को काट दिया जो योग्यता और सदाचार की क्यूई से घिरा हुआ था।